पोपट जे रंगन जिया खूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध जै में हुंदा अवां जा मन घुरिया मेहमान इन प्रोग्राम में हुंदा कुछ खास मेहमान जिन सा तहां लाइव कॉल से जरिए गलाए सको ता आए उन सा गडो कर हुंदियूं आजकल जे फैशन जो गालियूं हेल्थ टिप्स आए मौसीकी जी महफिल सुबह साजिर सिंध टीवी जे बेहतरीन आए सरमोड़ प्रोग्राम सलाम सिंध सा गड मां तवां जी मेज़बान सहर शहरिजवी सलाम सिंध में मां हुंदस तहां सा गड मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 वगे का 11 वगे तक तो पोए निसरण न विसारींदा सलाम सिंध बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद ते भलारी बूंजे हर शहर नगर गोठ हर गांव मुल्क मुल्क डे पर डे जिते जिते बि असांखे ॾिठो पियो वञे जिते जिते बि असांजे मुसाफ़िर आवाज़ जो ऐं असांजे असांजे अक्स जो पखी पहुची चुको आहे ऐं रसी चुको आहे सभई ॾिसण वारनि मौज़ूदु नाज़रीन खे अस्सलाम अलैकुम ऐं गुड मॉर्निंग चवंदासीं ऐं तव्हांखे ख़ुशामदीद चवंदासीं तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में मां सहर शहरिज़वी अॼु वरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां ऐं इहो असांजो जेको राब्तो आहे या असांजो जेको कनेक्शन आहे मोहबतुनि जो जेको सिलसिलो आहे इहा दुआ इहो ईअं ई क़ाइमु ऐं दाइमु हुजे हमेशह ऐं उमेदु कयूं था की तव्हां सभु ख़ुशि आबाद सलामत हूंदो ऐं अॼु जेको ॾींहुं आहे ॾाढो सुहिणो ॾींहुं आहे ऐं जॾहिं शुरूआति थींदी आहे वीक जी असांजे मंडे खां असां थोरा सुस्त हूंदा आहियूं पोइ आहिस्ता आहिस्ता जेका असांजी रुटीन आहे उहा ट्यूसडे खां वठी डेवलप थी वेंदी ऐं वरी असां रुटीन जूं जेकी शयूं आहिनि ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि में असां अची वेंदा आहियूं एक्टिवली जेको पंहिंजो कंट्रीब्यूशन आहे उहो कंदा पिया आहियूं पंहिंजी एक्टिविटीज़ में पंहिंजी शयुनि में मूंखे ॾाढो सुठो फील थींदो जॾहिं मां स्पेशली ॿार जेके आहिनि उहे एक्टिवली ॾिसंदी आहियां स्कूल जी तरफ़ वेंदा पिया आहिनि त उन में हिकिड़ी उमेदु नज़र ईंदी आहे हिकिड़े सुठो असांजे मुल्क जो फ्यूचर नज़र ईंदो आहे सोचींदी पई आहियां की ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे असांजा ॿार जेके आहिनि एक्टिवली उहे स्कूल वञनि था या उहे जेके जनरल एक्टिविटीज़ आहिनि उन्हनि में पार्टिसिपेट कनि था ऐं अॻियां जो जेको फ्यूचर आहे उन जे लाइ सुठी उमेदु रखनि था उन्हनि जा पेरेंट्स बि सुठी उमेदु रखनि था असां बि सुठी उमेदु रखूं था ऐं ॾाढो सुहिणो जेके सुबुह तव्हांखे मंज़र आहिनि ॾाढा सुहिणा ॾिसण में मिलंदा आहिनि ॾाढी सुहिणी शयूं आहिनि जेके तव्हांखे सुबुह ॾिसण में मिलंदियूं आहिनि जॾहिं मां ईंदी पई आहियां हिते स्टूडियोज़ जी तरफ़ उन टाइम मूंखे जाम सारियूं ॿियूं शयूं आहिनि जेके तव्हांखे वणंदियूं पियूं आहिनि हिकिड़ो त अलाह साईं जी कुदरत एॾी प्यारी आहे एॾी सुहिणी आहे उहा तव्हां जॾहिं बि सुबुह उथी ॾिसंदा आहियो तव्हांखे ॾाढी वणंदी आहे ऐं सुबुह जो उथणु या सुनत बहूं बि तव्हांजी सिहत जे हवाले सां ॾाढो सुठो आहे त उन में तव्हां एक्टिवली पंहिंजी जेके शयूं आहिनि पंहिंजी रुटीन जी जेके शयूं आहिनि उन में तव्हां पार्टिसिपेट कंदा कयो ऐं सुबुह सवेरे उथंदा कयो ॾाढी सुठी आदत हूंदी आहे ऐं जनरली अॼु असां इनशाला जेके असांजो टॉपिक आहे जंहिं ते असां ॻाल्हाईंदासीं असां बर्दाश्त ते ॻाल्हाईंदासीं ॿियूं इलाही सारियूं शयूं आहिनि जिन ते असां अॼु ॻाल्हाईंदासीं ऐं असां तव्हांजूं बि लाइव कॉल्स हूंदियूं तव्हांखे बि जेके क्यूरीज़ हुजनि तव्हां शेयर करे सघो था असां उहे उन्हनि जे हवाले सां असांखां पुछी सघो था ऐं कुझु स्पेशलिस्ट कुझु मौज़ूदु गेस्ट प्यारा महिमान जेके आहिनि उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि उन्हनि जो मां इंट्रोडक्शन कराईंदसि तव्हां सां ऐं गॾो गॾु तव्हांखे ॿुधायां की असांजो जनरली असांखे इलाही बर्दाश्त जो मादो असां में इलाही घटि हूंदो आहे असां काफ़ी शयूं आहिनि जेके नाहियूं करे सघंदा या मां चवां की अहिड़ियूं कुझु ऑर्गनाइज़ेशन्स जेके असांजे लाइ कमु कंदियूं पियूं आहिनि असांजा जेके माण्हू आहिनि असांजा जेके बि ख़वातीन आहिनि मर्द हज़रात आहिनि या बुज़ुर्ग हज़रात आहिनि सभिनि जे लाइ उन्हनि जे लाइ कहिड़ियूं ऑर्गनाइज़ेशन्स आहिनि उहे छा कमु कनि पियूं असां उन्हनि मां फ़ाइदो कीअं था वठी सघूं उन ते बि असां जनरली अॼु ॻाल्हाईंदासीं ऐं कुझु गेस्ट असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मां चाहियां थी की इलाही रिस्पेक्टेबल आहिनि मां पहिरीं उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां छो त उन्हनि खां सवाइ असांजो प्रोग्राम जेको आहे उहो इनकम्प्लीट आहे ऐं उन्हनि सां असांजी गुफ़्तगू उन्हनि सां असांजी जेका ॻाल्हि ॿोल आहे उहा मुख़्तलिफ़ शयूं हूंदियूं जिन ते इनशाला हलंदी आहे सभु खां अॻु में त हिकिड़ी अहिड़ी पर्सनैलिटी जेके असां हमेशह एडमायर कंदा आया आहियूं असां उन्हनि खे PTV जे टाइम में इलाही उन्हनि खे TV ते ॾिठो पॉलिटिक्स में इलाही अॻियां रहियूं आहिनि ऐं इलाही उन्हनि जो कंट्रीब्यूशन जेको आहे उहो रहियो आहे इलाही प्यारी पर्सनैलिटी रखंदड़ ऐं तव्हांखे इहो ॿुधायां की वहीद मुराद असांजा जेके लेजेंड जेके असां चॉकलेटी हीरो अॼु ताईं चवंदा आहियूं ऐं उन्हनि जो जेको मक़ामु आहे उन्हनि जो जेको नालो आहे उहो अॼु ताईं असां सभु मञंदा आहियूं उन्हनि खे आइडियलाइज़ कंदा आहियूं उन्हनि जी वाइफ जेका आहे उहा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि तमामु बहितरीन पर्सनैलिटी सलमा मुराद असां सां गॾु मौजूदु आहिनि अस्सलामु अलैकुम मैम बिल्कुलु ठीकु आप कैसी आहे माशाला से बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं आप ऐं नाज़रीन तव्हांखे ॿुधायां हिकिड़ी ॿी पर्सनैलिटी बि असां सां गॾु मौजूदु आहे उन्हनि जो मां तारुफ़ु कराईंदी हलां
मुझे प्रोग्राम में स्पेशली तां उन्हें अक्सर दिसना आयो है मां भी चाहिंदी है कि वो असने प्रोग्राम में अचे ने डाडे सोणे अंदाज में असके गाइड करना पेन सुती शयूं इन जो के असके उन्हें जे हवाले सा गाइड करना पेन एजुकेशनिस्ट बहन एजुकेशन ते अलग कम करना पेन बारन जिला स्पेशली स्पेशलिटी उन्हें जी छाए तो वो डेंटल सर्जन है ना असन सके डॉक्टर लोइन मजर मंजर आलम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह आज भी हम मॉर्निंग शो में आपके साथ हैं। हां अच्छी बात है कि आप साथ हैं। इंशाल्लाह आज शो जो है बहुत अच्छा होगा। ए नाज़रीन ताके बताएं कि टी पर्सनालिटी बस सकत मौजूद है जदे असा जिक्र करना पयूं पंजे जिम्मेदार पाकिस्तानिन जो या एड़ा मानु जेके असने वतन जे लाई इलाही सारो कम कन या असने वतन के सोने नमूने सर्व कन तो उनन में कुछ एड़ा मानु जिनन के असा घुराइन प्राउडली मां इलाही उनन जो इंट्रोडक्शन कराइन दी ता सा के जीएसटी एरिया लीडर लॉयंस क्लब जा ही रहा है ना यो बुधा ताके पीडीजी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रहा है ना ता के बुधा के पाकिस्तान से गरुगर नेपाल के इनन सर्व कयो है केडियो शयो इन जे केडियो एक्टिविटीज इन केड़ा कम इन उनन जे हवाले सा उनन से गले ना से उनन जे पर्सनालिटी जे केड़ा केड़ा एस्पेक्ट्स इन केडियो शयो इन उनन ते इंशाल्लाह असन जी गल बोल हलदी है यो ता के बुधा के असा से गद लॉयन जफर इकबाल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया बेटे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। नाज़रीन तांके बुधाएं एकड़ो सिंगर बस असगर मौजूद है जरे गाल बोल हुजे असन जे एक्टिव मानुन जी पाकिस्तानिन जी त असन जे म्यूजिक का सिवा त असन जो मां चंदम के रूज गिजा है असन जे मौसीकी जे का उने का सिवा दीन आए थिंदो असन जो स्पेशली मुजे शो में त मां चंदिया के म्यूजिक हुजे एक्टिवली असन सुबह जो एनर्जेटिक म्यूजिक है सुठो म्यूजिक बुधो त असन के सुठो फील थे तो उने जे लाई एकड़ो सुठो सिंगर असन सगर मौजूद है मास्टर अकरम चांडो सगर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ता खुश हो बा ऐं तव्हांखे ॿुधायां कि असांजी टीम असांजी सत असांजी सॼी असां सां गॾु मौजूदु आहे ऐं इहो ॿुधायां कि असांजा म्यूज़िक डायरेक्टर म्यूज़िक कंपोज़र मोहरम नाज़ बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलामु अलैकुम। ऐं आसिफ अली बाबा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि असांजा तबला नवाज़। अस्सलामु अलैकुम। तव्हांखे असां सभिनि खे वेलकम चवंदासीं ऐं नाज़रीन तव्हांखे वेलकम चवंदासीं। असांजी गुफ़्तगु जेका आहे उहा हितां स्टार्ट थी वई आहे। तव्हांजे लाइव कॉल जो सिलसिलो हूंदो ऐं असांजी गुफ़्तगु इनशाला अॻियां हलंदी। सभ खां पहिरियां त मां आपा खां पुछणु चाहियां पई सलमा पापा में ॿुधायां आपकी अॼुकल्ह क्या मसरूफ़ियात आहिनि कैसी आहे आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा ताल्लुक मेरा नीलफर बख्तियार से मुलाकात हुई तो नीलफर बख्तियार ने कहा मेरी बर्दाश्त को ज्वाइन करें और माशाल्लाह इन लोग इतना अच्छा काम करें। मुझे खुशी भी देखे कि इतने सारे कैंप्स लगा रहे हैं साथ साथ मंजर डॉक्टर मंजर भी है हमारे साथ बहुत एक्टिव है और हमारे जो डेंटल क्लिनिक जो चला रहे हैं और जितने लोगों को मैंने भेजा है उन्होंने इतनी खुशलूबी से इन लोगों का इलाज करवाया और वो इनके बहुत तारीफ़ करते हैं और हमारे जो लाइन्स यहाँ बैठे हैं उनका तो तारुफ़ मेरे ख्याल से तारुफ़ के मोहताज नहीं है। उन्होंने पूरा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे और आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने कितना हमारे मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन किया और आई एम प्राउड ऑफ़ दीज टू पीपल एंड नीलूफर बख्तियार। उसकी वजह से मैं आज इनकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुई और हम लोग सब मेरे ख्याल से अच्छा आप भी फाउंडर मेंबर में से थे बर्दाश्त के अच्छा मुझे याद नहीं आ रही है बहुत पहले की बात है तो हम लोग सारे तीनों फाउंडर मेंबर में से है और बहुत आई एम ग्लैड टू से कि इन दोनों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। नहीं मैं उसके लिए आपने कहा ना यू आर प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम तो आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। अच्छी बात है कि हमारे एक्टिवली आप लोग हमारे वतन के लिए हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन के ॿुधायां कि बर्दाश्त वेलफेयर एकड़ी वेलफेयर है उन्हें असं गालींदासीं इंशाल्लाह वो असांजे लाइ छा कम करे थी माण्हुनि जे लाइ कहिड़ा कम करे थी। डॉक्टर साहब आपसे भी मैं पूछूंगी आप तो हमेशा हमारे शो में आते रहते हैं आप भी अपनी मसरूफियात के बारे में थोड़ा हमें बताएं आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे बर्दाश्त वेलफेयर के बारे में बात करेंगे तो उसके हवाले से थोड़ा बहुत हमें आगाह करें। जी बहुत शुक्रिया सहर। एक्चुअली बर्दाश्त का जहाँ तक ताल्लुक है मैं लास्ट ईयर बर्दाश्त का प्रेसिडेंट था और मैं इलेक्शन जीत के कामयाब हुआ था और ये मेरी खुशनसीबी है कि बर्दाश्त जैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो आजकल मैं बर्दाश्त का बोर्ड का चेयरमैन हूँ। मैं बर्दाश्त भी देख रहा हूँ मैं लाइन्स को भी देख रहा हूँ। एक अच्छी बात है जहाँ मैं ओरल कैंसर पर जो मेरी प्रोफेशनल फील्ड है मैं उसको देख रहा हूँ तो बर्दाश्त के मेम्बरान इस्पेशली बर्दाश्त की फाउंडर नीलोफर बख्तियार एंड आसिफा दाऊद एंड अदर बर्दाश्त मेंबर ये मुझे बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और जहां मैं इनको देखता हूं लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को जफर इकबाल साहब को ये बेइंतहा मुझे सपोर्ट करें कि आप एक अच्छा
मकसद एक अच्छा कोर्स लेके चले ओरल कैंसर के हवाले से। जहाँ जहाँ मैं मेडिकल कैंप लगाता हूँ तो यहाँ इनकी मेरी मुझे बड़ी हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने सैटरडे नाइट मैंने एक मेडिकल कैंप लगाया। अब बिलीव मी आप बिलीव कीजिएगा कि जितनी लॉयंस क्लब ने मेरी हेल्प की और बर्दाश्त की जो प्रेसिडेंट आसिफा दाऊद ने मेरी हेल्प की प्लस नीलोफर बख्तार की टेलीफोन कॉल आई तो उस कैंप को चार चांद लग गया और मुझे बड़ी हौसला अफजाई मिली। तो मुझे खुशी होती है कि मैं तो आई एम टू मच जूनियर डेंटल सर्जन लेकिन पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर जफर इकबाल जैसे नीलोफर बख्तियार जैसे शख्सियात प्लस आसिफा दाऊद सलमा मुराद एक बहुत बड़ा नाम है जब मुझे सपोर्ट करती है तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा दिल चाहता है मैं आगे बढ़ के वेलफेयर के काम करूं। तो मैंने तो अपने आप को वफ कर दिया है बर्दाश्त के लिए मैंने अपना आपको वफ कर दिया है लॉयंस के लिए। मैंने जफर साहब से कहा कि मेरा मेडिकल सेंटर 24 घंटे आपके लिए हाजिर है। तो कई अच्छी बातें हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर मंजर आलम। हम और इस पे तफसीली गुफ्तगु करेंगे आपसे जानेंगे कि वेलफेयर क्या है क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे हम काम करते हैं। मैं जफर इकबाल साहब से भी पूछना चाह रही हूँ सर आप मुझे बताएं आपकी आजकल क्या मसरूफियात है। सहर मेरा ताल्लुक लायंस क्लब इंटरनेशनल से है और जैसा कि आप जानती हैं कि लायंस क्लब इंटरनेशनल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1917 में बनी थी और आज हम सेंटेनियल सेलिब्रेशन 100 साल हम अपनी सेंचुरी और हम सर्व टू लेस फॉर्चुनेट के लिए काम करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि एक ग्लोबल एक्शन टीम इंटरनेशनल ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जो कि फोकस करती है लीडरशिप मेंबरशिप और सर्विस पर। सर्विस एक्टिविटीज़ पाकिस्तान और नेपाल की जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान और नेपाल के 34,000 लाइन्स जो है जो सर्विस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको मॉनिटर करूँ उनके साथ उनके दरमियान में रहूँ उनको नए नए आइडियाज़ उनके साथ शेयर करूँ और सर्विस एक्टिविटीज़ का दायरा जो है अपने इन दोनों ममालिक में मैक्सिमम पाकिस्तान में और नेपाल में। सही अच्छा इस पे और हम बात करेंगे मुझे ये भी बताएं कि हम मतलब क्या चीज़ें होती हैं लॉयंस क्लब क्या चीज़ें हैं जो लोगों को ऑफर करता है और लोग अगर इसको ज्वाइन करते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। इन शॉर्ट 1917 जैसा आपको पता है कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नतीजे में करोड़ों अफराद जो हैं वो जानों से गए बेशुमार ममालिक तबाह हुए करोड़ों अफराद दरबदर हुए। उस मौके पर 22 अफराद एक कमरे में जमा हुए और उन्होंने ये तय किया कि हमें जो है वो वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। 22 अफराद की एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन आज 100 साल में 1.5 मिलियन मेम्बर्स में तब्दील हो गई। चंद मेंबर्स का क्लब आज मोर देन 45,000 लाइंस क्लब्स इसमें शामिल हैं और एक शहर से जो ये काम शुरू हुआ आज 211 कंट्रीज में लाइंस जो है वो काम करते हैं। मेन हमारा फोकस जो है वो सर्व टू लेस फॉर्चुनेट हम रंग नस्ल कौम मिल्लत मज़हब से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए इंसानियत के लिए काम करते हैं। हम जब खिदमत करते हैं हम में और बर्दाश्त में क्या चीज़ कॉमन है यही कॉमन है। जब सर्विस के लिए मैदान में जाते हैं तो ये नहीं देखते कि सामने वाले का ताल्लुक किस मजहब से है किस कौम से है और ये होना भी नहीं चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है सबसे बड़ी कौमियत इंसानियत है उसके मुताबिक उसके लिए हम जो है वो काम करते हैं। और हम अपने इन सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए ना गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं ना किसी इदारों की तरफ देखते हैं हमारे अपने मेंबरान अपने पॉकेट से वेलफेयर की और ये सारे काम जो है पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो चला रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त और अच्छा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप बात कर रहे थे हम बर्दाश्त की बात कर रहे थे बर्दाश्त वेलफेयर क्या चीज़ें हैं जो ऑफर करता है। आप ये सारे जो एनजीओ जो काम कर रहे हैं ना वो कम्युनिटीज़ में दे आर हेल्पिंग द कम्युनिटीज़ टू लिव अ बेटर लाइफ और ये हमारे सबके गोल कॉमन है। एंड जितना बर्दाश्त मैंने जो उनके साथ इतने अरसा गुजारा उनके बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स में उनके साथ शामिल होती और बल्कि हम अपना मैं जब इंडिया जाती थी हम लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स की मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की प्रेसिडेंट थी तो हम लोग अक्सर इंडिया और इस मुल्कों में जाते तो हम देखते कि वो औरतें क्या क्या काम कर रही। तो मैंने ये देखा कि वो औरतें खास तौर पे जो औरतें जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके पास बहुत टाइम होता है सो दिस देयर लाइफ टू द कम्युनिटी सर्विसेज। तो वहाँ मैंने देखा कि वुमेन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये औरतें इन्वॉल्व थी और जिसमें उन लोग खवातीन को सिखाते हैं कंज्यूमर आइटम स्किल जैसे आप विम कैसे बनाएंगी सर्फ कैसे बनाएंगी ब्लीच कैसे बनाएंगी
और फिर इनको हम लोग वहाँ यहाँ ये हमारा यूनाइटेड नेशंस का पायलट प्रोजेक्ट था जहाँ हम ख़वातीन को ये कंज्यूमर आइटम्स के लिए थे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते और इट्स अ विन विन सिचुएशन. फिर इनको ये सिखाते हैं, इनको फिर इनको एक मार्केटिंग का एक आदमी आता है, बच्चा आता है, इनको सिखाते हैं कि आप ये जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं आप कैसे मार्केट करेंगे. अच्छा, सारे जो रॉ मटेरियल्स हमारे यहाँ लोकली इम्पोर्ट होते लाइक डिटर्जेंट के सारी, तो हम इनको बताते हैं कि किस तरह आप मिक्स करेंगे, किस तरह से फिर उनके बॉटल्स जाके वहाँ जहाँ सारी बोतलें मिलते वहाँ से इनको इसके हिसाब से लोग की बोतलें ख़रीदते, फिर उनको हम लोग कंप्यूटर से इनके लेबल्स बनाते एंड वी गिव द मार्केटिंग. I was lucky to have a social welfare minister. उसने कहा सलमा आप इतना काम करती हैं, I will give you an outlet in the बचत बाजार जो संडे बाजार है ना, तो इन सब औरतों को हम लोगों ने स्टॉल दिया था फ्री. सो वो अपने प्रोडक्ट सब मिल के एक जगह जाके वहाँ बेचती थी एंड वट एवर मनी दे गेट तो वो अपने बच्चों के लिए और अपने स्कूल के लिए और अपने फैमिली के लिए खर्च करती थी. सो दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन देयर हस्बैंड्स के अगर उनके शौहर के पास नौकरी हो नहीं हो. और फिर हम इन लोग को आउटलेट्स देते हैं दूसरे बचत बाजार में सो दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स, बिकॉज अगर वो बना भी रही हैं और उनके पास अगर आउटलेट नहीं है तो वो क्या करें. फिर ज़्यादातर मर्दों के पास नौकरी नहीं होती सो द हस्बैंड्स डू द मार्केटिंग. और हमने कहा देखिए आपके बड़े स्टोर पे नहीं बिकेंगे, आप अपने परचून की दुकान में आपके इलाके में जैसे लियाकताबाद समझो उनके पास परचून की दुकान है, उस आदमी को जाके अपने प्रोडक्ट्स दे दो एंड देन ट्राई एंड मार्केटिंग एंड वी गिव यू अ मार्केटिंग गाइड वो जो आपको सिखाएगा. तो हर इलाके में खुशहाली आ गई, सब औरतें कमा रही हैं. ये बहुत जबरदस्त आपका कंट्रीब्यूशन है. आप जो हमारी औरतें हैं, हमारी जो ख्वातीन हैं, मैं क्लैपिंग इसलिए की क्योंकि उनको इकोनॉमिकली हमें स्ट्रॉन्ग करने की, उनको एम्पावर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. और अब वो इतनी खुश है, वो अपना खुद कमाती है और वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेती है. एंड पहले जब हम इनको इंडक्ट करते तो हम इस तरह करते हैं कि भाई अब जैसे मेरी पार्टी है एपीएम में, तो हमने सब औरतों को बुलाया, मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आप लोग सब अपने औरतों को जमा करें और फिर देन वी चूज अमंग देम जिस औरत में लीडरशिप क्वालिटी उनको मैं चूज करती हूँ, बिकॉज वो जो छाई होती है ना वो ये नहीं कर सकती. तो फिर हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे नहीं आप इसको या आप संभालेंगी, उनके स्किल डेवलपमेंट भी हो रही होती है. हाँ, स्किल डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस भी आता है बिकॉज दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस. वो बेचारी शर्माती, आपका नाम क्या है वो यू करेगी, आपका नाम क्या है फिर मैं क्रॉस करती हूँ. मैंने कहा नहीं, वी नीड समबडी जिसमें लीडरशिप हो, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो और जो मजबूत हो जाता है, फिर हम उनको चुनते जी टू डू आवर प्रोजेक्ट. सही, इस पे और तफसील से हम बात करेंगे इंशाल्लाह. और बर्दाश्त पे और भी काफ़ी चीज़ें जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ उस पे हम लोग बात करेंगे. नाजरीन तहां के ॿुधायां के असानी गुफ्तगु जनरली कुछ वेलफेयर से जिन जे हवाले से हले पे जेके असान जे ला कम कन पियो असान उन मां की फायदो वठी सकूं ताएं तहां के ॿुधायां के इते टाइम हिकड़े नंढे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो थियो आहे तो असां ब्रेक ते वञूं ताएं वापसि अचूं त असां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम से. वेलकम बैक चंदासीं हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनि प्यारनि माण्हुनि खे ऐं तव्हांखे ॿुधायां की ॾाढो प्यारो ॾींहुं आहे असांजी गुफ़्तगु मौजूदु महिमाननि जिन सां मुख़्तलिफ़ शयूं जिन ते असां गुफ़्तगु जेका आहे उहा करियूं पिया ऐं घरो घरु तव्हांखे ॿुधायां की सोचां पई की म्यूज़िक जेको आहे उन खां सवाइ त अॼु जेका सुबुह हले कीअं थी आहे त मां सोचां थी म्यूज़िक जेको आहे उहो हुजणु खपे प्रोग्राम में. क्या ख़्याल आहे डॉक्टर मंज़र आलम, हमारा गाना हुन चाहिए. ज़ाहिर भई आप मुझे सुन रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं. मैं भी चाह रही हूँ क्या जफर इकबाल साहब से भी मैं पूछना चाहूंगी आपका क्या ख्याल. बिल्कुल, आप क्या म्यूजिक सुनते हैं शौक से. मैं गजल वगैरह तो सुन लेता हूँ, मतलब क्वालिटी म्यूजिक आप सुनते हैं तो इंशाल्लाह आप आज भी क्वालिटी म्यूजिक सुनेंगे. छा बुधाईंदा असां के तव्हां माइक ते जी जी तव्हां खे ॿुधाईंदुसि. जी जी तव्हां ॿुधायो. कौन हूँ मैं, कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं. कौन हूँ मैं, कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं. मौजूद हूँ मैं हर जगह, मौजूद हूँ मैं हर जगह, पहचानता कोई नहीं. कौन हूँ मैं, कौन हूँ
मुझे जानता कोई नहीं, कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। बेमिसल हूँ बेरंग हूँ, मेरे रंग में तेरा रंग है। बेमिसल हूँ बेरंग हूँ, मेरे रंग में तेरा रंग है। बेमिसल हूँ बेरंग हूँ, हर रंग में मेरा रंग है। सब में समाया हूँ मगर दिल खोलता कोई नहीं, सब में समाया हूँ मगर दिल खोलता कोई नहीं। मौजूद हूँ मैं हर जगह, मौजूद हूँ मैं हर जगह, पहचानता कोई नहीं। कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं, कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। पहचान अपने आप को, बस आप ही तो आप हो। अपने आप को बस आप ही तो आप हो। क्या मौजूद हूँ मैं हर जगह, पहचानता कोई नहीं। कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं, कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। नाम किसने रख दिया, नाम किसने रख दिया मेरा इमाम दिन मगर। नाम किसने रख दिया मेरा इमाम दिन मगर, नाम किसने रख दिया मेरा इमाम दिन मगर। बेनाम हूँ मेरे नाम से आशियाँ कोई नहीं, बेनाम हूँ मेरे नाम से ये आशियाँ कोई नहीं। मौजूद हूँ मैं हर जगह, मौजूद हूँ मैं हर जगह, पहचानता कोई नहीं। कौन हूँ मैं कौन हूँ ये सोचता कोई नहीं, कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। कैसा लगा आपको आपा सलमा आपा, आपको कैसा लगा जी गाना, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा माशाल्लाह। और मेरे ख्याल से हम लोग को ये जो नए टैलेंट को ये करना चाहिए, ताकि हमारे नए टैलेंट इसी तरह आएंगे। और मैं इसमें बिलीव करती हूँ, और हमारे बहुत सारे शागिर्द हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम उसमें शामिल करें और उनको इनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लें। बहुत ज़बरदस्त आपकी बात है। और वाकई मैं आपको बताऊं कि सिन टीवी की हमारी यही काविश होती है कि जो भी टैलेंट आता है तो उसको प्रमोट करें, अच्छी बातें होती है। अच्छा प्लेटफॉर्म एक आपको मिल जाए तो आप कहाँ के कहाँ हो जाते हैं, अपने वतन के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बर्दाश्त की, लॉयंस क्लब की, मुझे बताएं बर्दाश्त का नाम बर्दाश्त क्यों, वेलफेयर का नाम बर्दाश्त क्यों है? ओके, देखें जहाँ तक लफ्ज़ बर्दाश्त है, नीलोफर बख्तियार क्योंकि उसकी फाउंडर मेंबर हैं,
तो जब ये सेनेटर थी मुशरफ गवर्नमेंट में जी, तो इनका एक वाक्य बड़ा मशहूर हुआ था। ये आउट ऑफ कंट्री गई थी तो वहाँ इन्होंने पैराशूट से जब पैराशूट जंप से जंप लगाई थी तो वहाँ की सरजमीन पे उन्होंने जैसे कदम रखा था तो फॉरेनर ने उनको हग कर लिया था, यानी अप्रिशिएट किया था। तो यहाँ के कुछ लोगों ने जो पाकिस्तान के इस्लामी स्कॉलर हैं उन्होंने इस बात को माइंड किया था, लेकिन आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग हक करने से उनकी वो हौसला अफजाई थी कि एक पाकिस्तानी खातून होने के बावजूद भी उन्होंने पैराशूट से जंप लगाया और यहाँ की सरजमीन पे पांव रखा, तो उनका मकसद यह था अप्रिशिएट करना। बहरहाल मुख्तसर ये कि जब पाकिस्तानी इस्लामी स्कॉलर ने इस बात को बड़ा माइंड किया और जब वो वहीं थी तो यहाँ बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई पाकिस्तान में, तो जनरल मुशरफ साहब ने फिर नीलोफर बख्तियार से ये कहा कि कुछ तुम कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड चली जाओ। तो आई थिंक वो तकरीबन मेरा ख्याल है दो साल वो अंडरग्राउंड रहीं। जब वो 2 ईयर्स अंडरग्राउंड रहीं तो उस कंडीशन में उन्होंने अपने आप को बहुत बर्दाश्त किया, उस वक्त की वो सेनेटर भी थी और उस वक्त वो अंडरग्राउंड रह के उन्होंने बर्दाश्त की बुनियाद रखी, उसका नाम बर्दाश्त रखा। इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने एक वेलफेयर बनाई जिसका नाम उन्होंने बर्दाश्त, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल आपकी सही बात है। काफी चीजें होती हैं जिनमें हमें बर्दाश्त जो है हमें होती नहीं है, लेकिन फिर टाइम अगर ऐसा आ जाता तो फिर वो हम सीख जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और काफी चीजें होती हैं जिनमें बर्दाश्त हमें होनी चाहिए या करनी चाहिए। जैसे हम गुस्सा करते हैं तो उसमें भी होनी चाहिए, फैमिली में हम उठते बैठते हैं हमारे प्यारों के साथ फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे भी हमें बर्दाश्त जो है वो होनी चाहिए और इससे रिलेशनशिप जो है वो भी मजबूत होते हैं। ऐसा है, मैं लॉयंस इसमें थोड़ा सा वजाहत कर लूँ, जो हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ थे उस वक्त उनकी जान का बहुत खतरा था उनका, तो ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट हर बीइंग इन दिस प्लेटफॉर्म, तो इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया। अदरवाइज ही इज़ गॉट अ लॉट ऑफ पेशेंस और बहुत वो भी बहुत लोगों की बहुत सी चीज़ें को बर्दाश्त करते, एंड ही वॉज ओनली अफ्रेड कि उसकी जान को कोई ख़तरा ना हो। उन्होंने उसको कहा कि जस्ट लाई लो डाउन फॉर अ वाइल एंड देन लेटर ऑन देन वी ऑल जॉइंड हर, वी ऑल लव हर वेरी मच, और उनकी वजह से आज फिर अपने कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी सोच का नजरिया जो है वो, और ये होता है बिकॉज़ दी स्कॉलर्स हैं ना, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, दे आर वेरी अपने मजहब में और इसमें वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही गलत डिसीजंस लेते हैं, व्हिच आई थिंक वी शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, और हमारे सारे जो हमारे मजहबी और दूसरे जो हमारे लोग हैं और यानी डिफरेंट कम्युनिटीज के, वील हैव टू टॉलरेट देम। सही बात है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लें उनके मजहब को, एक्सेप्ट कर लें उनके टीचिंग्स को, एक्सेप्ट कर लें, वी कांट लिव आइसोलेटेड इन दिस वर्ल्ड। यू आर वेरी राइट। मैं जफर इकबाल साहब से पूछना चाह रही थी, सर हम लॉयंस क्लब की बात करें तो इसके हवाले से मुझे बताएं कौन से लोग हैं जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पब्लिक के लिए फ्री है, वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसको? जी, तो एक सवाल ये हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होना चाहिए, तो 100 ईयर्स पहले जो जितने भी क्लब्स बनते थे वो अमूमन जानवरों एनिमल्स के नाम पर होते थे, स्पैरो क्लब, एलिफेंट क्लब, लायंस क्लब भी उसमें से एक क्लब था। तो जिस तरह लायन जो है शेर जंगल का बादशाह होता है, तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक लायन मेंबर भी सर्विस एक्टिविटीज़ में जो है उसकी हैसियत एक मुख्तारे कुल की होती है, और मतलब वो अपनी अथॉरिटी है डोमिनेट करता है अपनी सोसाइटी में सर्विस एक्टिविटीज़ के हवाले से, इसलिए इसका नाम जो है वो लायंस पर रखा गया, और ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि LIONS लिबर्टी इंटेलिजेंस अवर नेशन सेफ्टी, और इसी फलसफे के तहत पूरी दुनिया के लायंस जो है वो हमारा जो निशान है शेर का वो इसी बात की अलामत करता है। देखिए राइट और लेफ्ट दो लायन है, एक राइट और एक लेफ्ट, एक देख रहा है हमारा माजी बड़ा जो है वो ताबना रोशन माजी है, और दूसरा एक मुस्तकबिल की तरफ जानिब जो है वो हम माजी और पास्ट एंड फ्यूचर दोनों को हम कवर करते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि हम करते क्या हैं, हमने वेलफेयर की बुनियाद के ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन की हमारे फाउंडर मेलविन जॉन्स ने बुनियाद रखी, और उस वक्त इसमें टर्निंग पॉइंट ये आया जस्ट आफ्टर 8 ईयर्स कि हेलन केलर का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, एक रिनाउंड सोशल वर्कर थीं, देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, वो एज ए गेस्ट स्पीकर हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन में 1925 में सलमा आपा अच्छा, वो आई और उन्होंने लायंस ऑफ द वर्ल्ड को एड्रेस किया।
اپنی اسپیچ ختم کرنے کے بعد جب وہ اپنی چیئر پہ کی طرف جانے لگیں تو انہیں خیال آیا, واپس وہ پوڈیم کی طرف آئیں اور انہوں نے لائنز آف دا ورلڈ کو ایک چیلنج دیا. اور چیلنج کیا تھا کہ نائٹس آف دا بلائنڈ ان دا کروسیڈ اگینسٹ ڈارکنیس, کہ نابیناؤں کی لاٹھی بنو اور معاشرے سے اندھیرے کو ختم کرو. 1925 میں لائنز نے ہیلن کیلر کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا, اور اس زمانے میں جبکہ بلائنڈنیس جو ہے وہ وبا کی طرح پھیل رہی تھی اور افریقہ کے ممالک میں ایک ایک وقت میں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ بلائنڈ ہوتے چلے جاتے تھے کیونکہ ناکافی سہولیات, میڈیکل فوڈ پراپر نہیں تھا, یہ ساری چیزیں تھیں, انوائرمنٹ بہت خراب تھا. لائنس کلب انٹرنیشنل نے جب اس کام کو کا آغاز کیا تو آج 92 ایئرس میں ہماری پرفارمنس یہ ہے کہ ہم اس کو ختم تو نہیں کر سکے بلائنڈنیس کو, لیکن اس کو ہم نے روکا ضرور ہے. اور آج پوری دنیا کے اندر بلائنڈنیس کے حوالے سے, سائٹ فرس کے حوالے سے جتنا بھی کام ہے, لائنس کو ایک نمایاں پوزیشن حاصل ہے. ہم تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں بلائنڈنیس پر جتنی حکومتیں اور جتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں اس کا 32%, اس کا کیلکولیشن اگر آپ کریں تو 32% جو ہے وہ لائنس کلب انٹرنیشنل جو ہے 211 کنٹریز میں کر رہا ہے. پاکستان میں کیمپ سرجری لائنس نے یعنی انٹروڈیوس کی. پاکستان میں کورنیا گرافٹنگ, سری لنکا پوری دنیا میں جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں, وہاں پہ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے آئیز جو ہے وہ ڈونیٹ کی, کورنیا ڈونیٹ کی جاتی ہیں. آئی بینک سوسائٹی سری لنکا کے جو صدر تھے ہٹسن ڈی سلوا, وہ پاکستان میں ملک خدا بخش صاحب نے ان کو انوائٹ کیا. ان کے نام پہ لاہور میں ایک ہاسپٹل بھی ہے, لائنز ہٹسن سلوا ہاسپٹل. اور آج بھی ہم تقریباً ایل آر بی ٹی میں آپ جائیے جہاں پر کہ 1600 کی ویٹنگ چلتی تھی, آج اس ویٹنگ کو ہم 800 پہ لے آئے ہیں. تقریباً پاکستان میں کیٹریکٹ سرجری 100 to 125 پر منتھ لائنز جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا یہ فری ہوتی ہیں کورنیا گرافٹنگ؟ سر جی ہاں, بالکل بالکل فری ہوتی ہیں. افورڈنگ لوگوں کو بھی آئیز میں پرابلم ہو تو وہ آپ سے رجوع کر سکتے ہیں. بالکل. ایک سوال پوچھیں؟ جی جی آپ پوچھیے. برا نہیں مانتے؟ جی جی آپ پوچھیے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو گورنمنٹ سے کتنا سپورٹ ملتا ہے؟ ہم گورنمنٹ سے ایک تو سپورٹ لیتے نہیں ہیں آنیسٹلی, مطلب گورنمنٹ ہم اگر ہم سپورٹ بہت ساری جگہوں پہ ملتی بھی ہوگی یقیناً, لیکن پاکستان میں گورنمنٹ ہمیں پیٹرنائز کرتی ہے, ہمیں کیمپس لگانے کے لیے ہمیں اجازت دیتی ہے, ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں گورنمنٹ ہی سے مدد کی ضرورت ہے. لیکن جو لائنز کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ لائن ممبر وہی ہوتے ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے, کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کر سکے. ہم گورنمنٹ سے لے کر اگر لوگوں کو ڈونیٹ کریں یا کنٹریبیوٹ سرو کریں تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم لائن ممبر جو کہ مخیر بھی ہوتے ہیں وہ اپنی ڈونیشن نکالیں اور پیسے جمع کریں. ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ وہ تو صحیح ہے, مگر اگر تھوڑا ہمیں جی ملنا چاہیے, بالکل ملتا بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اگر نہیں ملتا پھر بھی آپ کا ایک ہے نا, آپ اسمارٹلی کام کر رہے ہیں تو اس میں ہے کہ آپ لوگ جو بھی ممبرس ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر کے لوگوں کی ہیلپ کے لیے آپ کام کرتے ہیں. اچھا اور کیا چیز ہمارا فلسفہ دیکھیں یہی ہے کہ میلون جونز جو ہمارے فاؤنڈر تھے انہوں نے آئیڈیا ہمیں کیا دیا, ڈاکٹر منظر وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیونٹی میں ایک شخص ہے جو جس کے پاس صرف پیسے ہیں, ٹائم نہیں ہے. ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن ٹائم ہے. ایک تیسرا شخص ہے نہ اس کے پاس پیسے ہیں نہ ٹائم ہے لیکن آئیڈیا وہ دے سکتا ہے آپ کے. وہ کہتے ہیں اس طرح کے تین چار لوگ اگر جمع ہو جائیں, کسی کا پیسہ, کسی کا آئیڈیا, کسی کا ٹائم, تو ہم کمیونٹی کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں. ہمارے جو لائنس کلب ہے, ہمارا کلب ہے کراچی سن رائز لائنس کلب, 20 ممبرز ہیں. ڈاکٹر صاحب میڈیکل سروسز کے حوالے سے اویلیبل رہتے ہیں. کچھ ممبرز ہیں وہ جنریسلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کچھ ممبرز ہیں وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے لیکن وہ کیمپ آرگنائز کرنے میں آپ کے ساتھ تھے. دیکھیں کچھ لوگ ہیں, یہاں پہ میں بات کروں گی ڈاکٹر صاحب سے, ہم بلائنڈنس کی بات کر رہے تھے, پاکستان میں کتنا ریشو ہے بلائنڈنس کا اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ, میرے خیال سے تو ینگسٹرز جو ہیں ان میں یہ چیز زیادہ آ رہی ہے. ہاں سر آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ بتا دوں, لائنس کلب نے جتنا ورک, جتنا کام آنکھوں پہ کیا, آنکھوں کی ڈیزیز پہ کیا, دنیا کی کسی ویلفیئر نے نہیں کیا. صحیح. میں آئی مونیسٹری اسپیکنگ, جب میں پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا, میں جب سے لائنس کلب کی سروس کو دیکھ رہا ہوں, اب بلیف می ان کی جو کام تھے ان کو دیکھ کے میں نے پرائمری میں اپنے پیرنٹس سے, اپنے فادر سے, اپنے بہن بھائیوں سے کہا تھا کہ میں بڑوں کے ڈاکٹر بنوں گا, آئی سرجن بنوں گا اور لائنس کے ساتھ مل کے کام کروں گا.
उस वक्त मेरे डैडी के जो दोस्त आई सर्जन हैदराबाद सिटी में, डॉक्टर मुजाहिद आई सर्जन है, बहुत बड़ा नाम है सर, आपको मालूम ही होगा मुजाहिद साहब का। डॉक्टर सईद आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये मोस्ट सीनियर प्रोफेसर फ्रॉम लियाकत मेडिकल कॉलेज जामछोरो, राइट, उन्होंने भी आंखों पे बड़ा काम किया है। इदरीस साहब है, उन्होंने भी बहुत काम किया। जब मैंने अपने सीनियर्स को, अपने प्रोफेसर्स को अपने घर में इर्द गिर्द के लोगों को लाइंस के कैंप लग रहे हैं, लाइंस आंखों पे काम कर रही है, जो नाबीना है जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है उनको रोशनी दे रही है, तो मैंने प्राइमरी स्कूल में ही ये डिसाइड कर लिया कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। तो वक्त के साथ साथ एक्चुअली सिलेक्शन मेरी MBBS में हुई, लेकिन मैं बाद में मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया, मैं BDS की तरफ चला गया, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की तरफ, फिर मैं बाद में डेंटिस्ट्री की तरफ चला गया। लेकिन मैं आई एम टू मच इम्प्रेस, लेकिन मैं डेंटल सर्जन जरूर हूँ, लेकिन मैंने आई एम आई विटनेस के मैंने लॉयंस क्लब के लोगों को आई रेडिना पे, आंखों की डिजीज है आई रेडिना, उस पर मैंने बहुत ज्यादा काम करते देखा। मैंने अपनी ही फैमिली में कैसा केस था जिनकी आंखों पे आंखों की रोशनी नहीं थी, तो मैंने जब डिस्ट्रिक्ट 3275 से मैंने रابطہ किया, मैंने जफर साहब से रابطہ किया, मैंने और अदर लोगों से जो लॉयंस के मेम्बरान हैं उनसे रابطہ किया, लॉयंस के गवर्नर उनसे रابطہ किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है लॉयंस के हवाले से, आप उस पेशेंट को लेकर आए, अब उनके लिए आंखों का अरेंज करेंगे, श्रीलंका से आंखें मंगवाएंगे और उनका ऑपरेशन कराएंगे। अब बिलीव मी, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग के बिल्कुल जैसे लॉयंस के मेम्बरान ने, लॉयंस के जिम्मेदारान ने कहा वो वैसे ही किया, उस पेशेंट को आंखें लगा दी। आज वो पेशेंट जो माजी में देख नहीं सकता था, आज वो अपनी आंखों से देख रहा है, उसकी आंखों में रोशनी आ गई, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है, इससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। बहुत जबरदस्त, आप लोगों को नूर की बात कर रहे हैं तो बहुत जबरदस्त आपका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, मैंने आपसे सवाल किया था कि हमारे पास रेशियो कितना है, हमारे पास जो लोग हैं उनकी आई साइट भी वीक हो रही होती है, ब्लाइंडनेस का हमारे पास रेशियो क्या है? जैसे कभी जफर साहब ने बताया 32% जी, ठीक है, और 32% पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो आई होप कि आने वाले वक्त में कि इससे ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी वेलफेयर काम कर रही है मुख्तलिफ नामों से, लेकिन आई के हवाले से जो शनाख्त बनी लॉयंस की वो आई के हवाले से बनी, आंखों पे बड़ा काम हो रहा है। सही। अच्छा सलमा आपा से भी मैं पूछना चाह रही हूँ, आपा हम बात कर रहे थे बर्दाश्त वेलफेयर की, लॉयंस क्लब की, आप मुझे पता है हमारे पास ऐसे हालात हैं, हमारी आप ख्वातीन की बात कर रही थी उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने की, तो हम कैसे उनको और ज़्यादा उनके लिए काम कर सकते हैं, उनको सर्व कर सकते हैं, इसका जो जवाब है आप मुझे देंगी। यहाँ पे टाइम ब्रेक का हुआ है नाजिन, तक ॿुधायां कि असां गुफ्तगु जनरली असांजे फ़ाइदनि जे लाइ करियूं पिया ऐं कुझु अहिड़ा वेलफेयर्स जेके असांजे लाइ कमु कनि पिया असां ख़बर न आहे, त उन्हनि जे हवाले सां असांजी गुफ़्तगु हले पई, त टाइम नंढे हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो थियो आहे, स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक। भलीकार चवंदासीं हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनि प्यारनि माण्हुनि खे, असांजी गुफ़्तगु प्यारा माण्हुनि जिन सां हले पई, असांजी गुफ़्तगु जनरली असांजे फ़ाइदनि जे लाइ हले पई, ऐं आपा खां मां सवाल कयो, सलमा आपा मैंने आपसे सवाल किया था कि बर्दाश्त वेलफेयर और क्या चीज़ें हैं जो हमें ऑफर करती है, जैसे इकोनॉमिकली आपने कहा कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो है, स्किल डेवलपमेंट जो है ख़वातीन में वो करना, उनके प्रोजेक्ट को सेल करना, इसके अलावा और क्या चीज़ें ऑफर करती है? इसके अलावा मेरी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ है, एंड जो सपोर्ट वो हमें प्रोवाइड करते, हमारी पार्टी जो है हम इन औरतों को बताते कि भाई आपको अगर आंखों का मसला है आप हमारे ये डॉक्टर के पास जाइए, आपको अगर डेंटल प्रॉब्लम है तो मंजर डॉक्टर मंजर के पास जाइए, तो वी हैव गॉट अ बिग ह्यूज सपोर्ट सेंटर। मेरे साथ कोई मेरे ख्याल से 40-50 ऑर्गेनाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन वी हेल्प ईच अदर। अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है आई गेट इन टच विद देम, जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ही वॉज वन ऑफ अ गुड फ्रेंड्स जो इम्पोर्ट करते हैं कैंसर की दवाइयाँ, तो मैं इनको कहती हूँ कि भाई आप लोग प्लीज़ हमें थोड़े से इंजेक्शन डोनेट करें, तो इट्स एन ऑल कम्बाइंड एफर्ट, ये मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे साथ देंगे, तो वी ऑल गेट टुगेदर और हम लोग आपस में एक दूसरों को सपोर्ट करते हैं, बनती है ना, एक चेन बनती है। जैसे किसी को TB की ज़रूरत हो तो हमारे पास एक आउटलेट है, किसी को कैंसर की ज़रूरत है डॉक्टर आलिया, डॉक्टर वो जिला हॉस्पिटल में फ्री, वो रॉबर्ट के
थ्रू वो ट्रीटमेंट करते, वी रेफर देम टू देम. फिर किसी को अगर कोई और चीज़, जैसे मंजर को मैंने डेंटल प्रॉब्लम्स को इनके पास रेफर किया है. तो हम लोग वी गॉट दिस सपोर्ट सेंटर. हम अकेले कोई काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक सपोर्ट सेंटर पूरा नहीं हो. और फिर हमारे पास ओल्ड होम है खयाबान राहत में. अच्छा। और एक और है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ओल्ड होम, बिल्कुल हमारे घरों की तरह है. और जो औरतें यानी जिनके बच्चे बाहर जाते हैं उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, सो दे कीप देम. और इतने खूबसूरत इन्वायरमेंट में उनको रखते हैं, शाम को वॉक पे ले जाते हैं, शाम को ये. सो एटलीस्ट चिल्ड्रेन आर दिस के हमारी माँ अकेली नहीं, एंड दे सिक, कभी को डॉक्टर की ज़रूरत है, सो दे हैव अ फुल टाइम डॉक्टर लुकिंग आफ्टर देम. तो तीन हमारे पास ओल्ड होम है, बिनते फातमा, और एक और दो और है राहत कदा यहाँ पे हैं, वो ये कराची में है और डिफेंस में उनका एंड आई हैव विजिटेड देम. और दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, अ किचन, बाकायदा मेन्यू है. और इन औरतों को इतना, और सब एक औरत आती है वहाँ, इन लोगों को कुरान शरीफ की क्लास देती है, एंड दे कीप दीज वेमेन इन्वॉल्व. तो ये जो अधेर उम्र में जिनके बच्चे यहाँ नहीं होते वो अकेले होते, सो नीड दे नीड दे सपोर्ट. तो दे आर ऑल लिविंग टुगेदर. मैंने जब वहाँ विजिट किया दे वर लाफिंग जोकिंग, मुझे इतनी खुशी हुई. मैंने कहा अल्लाह बस हमें इतनी ये दे कि हम लोग इस तरह से ना लोगों के साथ मिल के एंड वी डू ऑल दिस. और इंशाल्लाह मैं इन दोनों के साथ बिल्कुल आज डेवलप हो गया है, इनके साथ मिलके आई विल गिव देम ऑल द सपोर्ट सेंटर दैट दे कैन यूज द सपोर्ट सेंटर. एंड ये मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड है. आई हैव सीन देम, आई हैव विजिटेड देम, और मैंने देखा ये. और ये कुछ लोग तो गवर्नमेंट से थोड़ा सा फंड लेते होंगे, बट आई डोंट नो, बट दे अपने बलबूते पे खुद कर रहे हैं. अच्छी बात है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. आई रियली अप्रिशिएट दैट. आज अगर मैं इस काबिल हूँ बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट सेंटर्स बहुत है. सपोर्ट सेंटर्स टीबी का है, कैंसर का है, ये डॉक्टर साहब डेंटल का है, आईज का डॉक्टर सर्कस है, वो हमारे हर महीने हर तरह के लोगों के लिए आप काम कर रहे हो. डॉक्टर अंकल एंकल साहब हमारे कैंप लगाते हैं बीमारियों के लिए, जी. तो डॉक्टर मंजर आलम से भी मैं पूछना चाह रही थी. डॉक्टर साहब आप हमें बताएं, मैंने सवाल किया था आपस से कि बर्दाश्त वेलफेयर जो है वो और क्या चीजें हैं जो ऑफर करता है, हमारे जो लोग हैं उनको कैसे फायदा होगा इससे. शहर में आपा की बात को आगे बढ़ाता हूँ. देखिये अब बर्दाश्त वेलफेयर दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, ये तो तमाम शोबों को देख रही है, लेकिन एजुकेशन एंड मेडिकल इन पे ज़्यादा फोकस है. निरोब बख्तियार का ये कहना है कि हम पाकिस्तान से जहालत ख़त्म करेंगे तो सबसे अच्छा होगा, यानी इल्म की रोशनी को फैलाएंगे. तो इस पिछली दफ़ा जब नीलोफर बख्तियार कराची आई हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि डॉक्टर एक ऐसी प्लानिंग करें कि आप बर्दाश्त के सारे मेम्बरान स्कूल एडॉप्ट करें. तो आई होप कि आने वाले वक्त में हम बर्दाश्त के प्लेटफॉर्म से स्कूल एडॉप्ट करेंगे और उनको स्कूलों में जाके बच्चों को तालीम और तरबियत के हवाले से डिस्कस करेंगे, या उनकी यूनिफॉर्म के हवाले से, या वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको हम पूरा करेंगे एजुकेशन को प्रमोट करने के हवाले से. दूसरा ये कि बर्दाश्त का सेकंड फोकस है वो मेडिकल साइट है. अच्छा. बर्दाश्त की बर्दाश्त वेलफेयर ये चाहता है कि मेडिकल फैसिलिटीज हर एक के घर की दहलीज तक, घर के हर दरवाजे पे मेडिकल की फैसिलिटीज मिले. तो ये उनका एक ख्वाब है. इंशाल्लाह तमाम डॉक्टर मिलके, तमाम बर्दाश्त के मेम्बरान मिलके कोशिश करें कि हर एक को मेडिकल की फैसिलिटीज मिले, जिसमें उसमें आई डिजीज भी है, डेंटल डिजीज भी है, कार्डियो प्रॉब्लम भी है, डर्मोलॉजिस्ट भी इसमें शामिल है. मतलब डिजीज हैं जिनके जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं आपके पास उस वेलफेयर में मौजूद है. बिल्कुल. और उनकी आप हेल्प करते हैं. अच्छा, मैं लॉयन जफर इकबाल साहब से पूछना चाहती हूँ. आपने हमें रेशो बता रहे थे, मैंने मंजर आलम से पूछा था, आपसे पूछूंगी रेशो क्या है हमारे पास ब्लाइंडनेस का, और क्या और डिजीज हैं हमारे पाकिस्तान में जिनके लिए लॉयंस क्लब काम कर रहा है. देखिए हमारे यहाँ शहरों के हद तक तो सूरत हाल डिफरेंट है, लेकिन जो ये रूरल एरियाज हैं वहाँ सूरत हाल जो है बड़ी भयानक है. दुनिया भर में तकरीबन 4 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो कि देख नहीं सकते. ये बहुत बड़ी तादाद है. पाकिस्तान में जिसकी आबादी 20 करोड़ के लगभग है, यहाँ पर भी 32 लाख अफराद, 3.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि देखने से महरूम हैं. बहुत बड़ी तादाद. और इसमें डॉक्टर मंजर जैसे कि आप जानते हैं 50% वो हैं जो कि रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, जिनकी ब्लाइंडनेस हम खत्म कर सकते हैं. 14 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि अगर आज कोई एक्शन ले, 16 लाख अफराद, तो वो कल से देखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नाकाफी सहूलियात हैं जिसकी वजह से लोगों तक पहुँचा नहीं जा सकता.
लायंस क्लब इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर हमारे तीन डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ और नॉर्थ में दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको हेड कर रहे हैं अजहर चौधरी साहब। पूरे पाकिस्तान के लायंस मिलकर हम तकरीबन 10,000 मेंबरान हैं और तकरीबन हर बड़े छोटे शहरों में किसी न किसी हद तक हम एग्जिस्ट करते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में 30,000 साल की कैटरेक्ट सर्जरीज हम करने में कामयाब होते हैं, जबकि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 16 लाख अफराद हैं जिनकी कैटरेक्ट सर्जरीज होनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाते हैं। जो आई स्क्रीनिंग है, मतलब आप गांव देहातों में चले जाइए, अगर हम 10 बच्चों को हम टेस्ट करते हैं तो 10 में से 5 या 6 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आई साइट जो है वो कमज़ोर है और उसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है। एक कैटरेक्ट सर्जरी, अगर एक कैंप सर्जरी में भी हम जाएं तो उसमें एक्सपेंसेस जो है वो 2,000 या 2,500 से ज़्यादा नहीं आते कैटरेक्ट सर्जरी आजकल के दौर में भी। लेकिन ऐसे भी लोग हैं इस मुल्क में कि हमारी हुकूमतें देखें, हुकूमत के एक्सपेंसेस देखें, इदारों के खर्चे देखें, लेकिन हॉस्पिटल्स में एक शख्स जो है वो 100 रुपये भी खर्च करने की इस्तेआत नहीं रखता। हम रिमोट एरियाज में कैंप लगाते हैं तो एक साहब से हमने पूछा कि आप को तो ये कैटरेक्ट बड़े अरसे से है, आप आज क्यों आए? कल मैं 4 साल से आने की कोशिश करता हूँ लेकिन कभी मेरे पास पैसे नहीं होते कि मैं किराए के पैसे जो है वो कर सकें, यानी किराए के वक्त 100 या 150 रुपीज़ नहीं होते। तो ये बहरहाल जब तक मैं समझता हूँ कि हम में से हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को नहीं महसूस करेगा। देखिए, मैं हमेशा गवर्नमेंट की के ऊपर बात यूँ नहीं करता कि यकीनन उनकी रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन मैं समझता हूँ इंडिविजुअल हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है। हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, हम अपने बच्चों की आला एजुकेशन के लिए इतना सोचते हैं, अपने घरों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारी प्राइम रिस्पांसिबिलिटी ये भी है कि हम अपने मुलाजमीन को देखें, उन मुलाजमीन का टेस्ट करवाएं, उनका हेपेटाइटिस उनका चेक करवाएं, उनकी उनकी आईसाइट चेक, मतलब अगर हर शख्स कराची और हैदराबाद और पाकिस्तान में हर बड़े शहरों में रहने वाले अगर अपने मुलाजमीन के हद तक अगर लुक आफ्टर करना शुरू कर दें तो हमारी प्रॉब्लम बहुत हद तक हमारी मेरी ख्वाहिश और ये मेरी ख्वाहिश को जरा आगे भी बढ़ाइए कि हम हुकूमत हमें हेल्थ कार्ड हमारे लोगों के लिए हेल्थ कार्ड जरूर बनाने चाहिए और ये इसमें आप लोग दोनों मेरी मदद कर सकते जी। वो ये बिल्कुल सही है क्योंकि लोगों को इससे फायदा भी होगा और जनरली हमारे जो लोग हैं, आप सही कह रहे हैं जफर इकबाल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको सस्ता इलाज चाहिए, उनको ऐसा इलाज चाहिए जो उनके डोर स्टेप पे आए। डॉक्टर मंजर आलम ने भी ये बात कही थी, बिल्कुल ये ठीक बात है। इन पर हम ज्यादा बात करेंगे, आपकी कैंपिंग जो है उस पर भी हम गुफ्तगु करेंगे। सलमा आपा, मैं सोच रही हूँ सिंगर हमारे साथ मौजूद है तो एक गाना हो जाए एक और। बिल्कुल बिल्कुल जी। परेशान हर घड़ी, हर घड़ी कयां दर्शन, दिल थी चाहे वरी कयां दर्शन, हर घड़ी हर घड़ी कयां दर्शन, दिल थी चाहे वरी कयां दर्शन, हर घड़ी हर घड़ी कयां दर्शन। तरीकयां दर्शन,
सोनी जिया तरी कया दर्शन दिल ची चाहे इसका सिलसिला और आगे जारी रखेंगे नाज़रीन तांके बुधाएं कि असां जनरली इलाही सारी शयूं आहिनि जेके असांजे फ़ाइदे लाइ असां ॻाल्हायूं पिया हेल्थ ते ॻाल्हायूं पिया ऐं जनरली असांखे कहिड़ी शयूं आहिनि जंहिंमां फ़ाइदो वठणु घुरिजनि ऐं तव्हां बि अगरि तव्हांखे लॉयंस क्लब जे हवाले सां बर्दाश्त वेलफेयर जे हवाले सां या कंहिं बि क़िस्म जे बर्दाश्त जे हवाले सां तव्हां कुझु बि ॻाल्हि का क्यूरी शेयर करणु चाहियो त तव्हां लाइव कॉल असांखे करे सघो था हिते टाइम हिकिड़े नंढे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो थियो असां ब्रेक ते वञूं था ऐं वापसि अचूं था असां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम से अ
वेलकम बैक चवंदासीं हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनि प्यारनि माण्हुनि खे ऐं गुफ़्तगु असांजी जेका आहे उहा हले पई ऐं बाक़ाइदा हले पई. मैं आपसे बर्दाश्त के बारे में हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, तो बर्दाश्त की मैं उसके हवाले से बात करना चाह रही थी. आज का हमारे लोगों में हमारे अंदर वो मादा जो है बर्दाश्त का आपा वो खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया. वो हम रोड पे गाड़ी चला रहे हो तब भी हम दूसरे को लड़ रहे होते हैं, वो मतलब हमारे अंदर वो टॉलरेंस जो है वो नहीं रही. आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे डॉक्टर मंजर आलम? जी बिल्कुल. एक्चुअली मेरा ये ख्याल है कि हम सबको चाहिए कि अपने अपने दायरे में रहते हुए अपने आप में बर्दाश्त के मादे को बरकरार रखें. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली के अंदर दो भाइयों में कोई बात पैदा हो जाती है तो उनको चाहिए उनको नज़रअंदाज करें, बर्दाश्त करें. इसी तरीके से अगर आप जॉब में हैं, अगर कोई बॉस किसी अपने जूनियर्स को डांट देता है, आप किसी जूनियर लेडी डॉक्टर को डांट देता है तो अच्छा, आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपसे मतलब आप बोलेंगे बस अब बर्दाश्त का वादा खत्म होने वाला है? नहीं, जब तक जब मैंने बर्दाश्त ज्वाइन नहीं की थी जब तक तो था, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में तय बोला आ गया आपके अंदर बिल्कुल. क्योंकि मैंने कहा जब मैं बर्दाश्त मैंने ज्वाइन कर ही लिया तो मुझे सबसे ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा मुझे ही करना चाहिए, मुझे एग्जांपल बननी चाहिए अपने हल्का बाप में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने प्रोफेशनल लेवल पे. तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग एग्जांपल देते हैं बर्दाश्त के हवाले. ये मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, जब आप मैच्योर हो जाते हैं सीखते हैं देखते हैं चीजें. छोटे होते हैं तो इतना पता नहीं होता हमें. आपसे मैं सेम सवाल करूंगी, आप बताएं अपनी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आप कहेंगे बस बर्दाश्त का एंड हो गया, आप मुझसे नहीं होगा बर्दाश्त. हर शख्स की जिंदगी में इस तरह के बेशुमार वाकयात आते हैं ना. टॉलरेंस टॉलरेंस किसी भी माशरे में किसी भी शख्स के लिए एक बुनियादी हैसियत रखता है. अगर मैं अपनी बात करूं, हम अपने मजहब की बात करें, हमारा मजहब जितना जोर टॉलरेंस पर देता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी 63 साल जिंदगी टॉलरेंस पर मुश्तमिल है. आप एक बड़े कबीले को रिप्रेजेंट करते थे, आपका एक बड़ा नाम था, आप एक इंतहाई मोजेज तरीन शख्स थे, लेकिन आपने कैसी कैसी मुखालफतों को आपने फेस किया, लेकिन कभी किसी को जवाब नहीं दिया. मैं ये समझता हूँ कि अगर हम में से हर शख्स अगर इस बर्दाश्त टॉलरेंस को अपनाए, और सिर्फ हम ये दूसरे कुछ दूसरे की बात हम सुनना नहीं चाहते एक्चुअली, इख्तलाफ और झगड़ा. मैं कल एक क्लिप देख रहा था कि आजकल हमने झगड़ा और इख्तलाफ इन दोनों को एक ही रुख दे दिया है. झगड़ा एक अलग चीज़ है, इख्तलाफ एक अलग चीज़ है. मैं और आप किसी भी चीज़ पर इख्तलाफ कर सकते हैं. मैं आपको मेरी गुफ्तगू पर इख्तलाफ हो सकता है, आपको मेरे अंदाज पर इख्तलाफ हो सकता है, आपको मेरी सोच पर इख्तलाफ हो सकता है. इख्तलाफ जो है, इख्तलाफ राय रखना, ये एक कंस्ट्रक्टिव एक हेल्दी चीज है. अगर इख्तलाफ मुआशरे में ना हो तो ये इख्तलाफ तो जिंदगी की अलामत है, कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट है. और अगर हम ये समझे सिर्फ दूसरे को हम सुनना शुरू करें, दूसरे की मुस्कुराहट एक पैदा करें और सामने की बात को देखें कि हम कितना ये बात सही कह रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हम खुद ब खुद बेशुमार चीजें जो है वो सही हो सकती है. ये जो एक एलिमेंट है कि हम जो बात कर रहे हैं यही सही है, और यही मैं समझता हूँ इसी की नफी हमें करनी चाहिए. ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, हमारे अंदर भी मैं रोक देती हूँ, वो मुझे गालियां देती है पीछे, मुझे पता है गालियां दे, मैंने कहा दे दो. दे शुड वेट फॉर द चिल्ड्रेन. या कोई बूढ़ा क्रॉस करता है, हम 5 मिनट गाड़ी नहीं रोक सकते, वो नहीं रोकेंगे. और जो हॉर्न मुझे पीछे से मिलते मैं खड़ी हो जाती हूँ, गाड़ी खोल के बाहर खड़ी हो जाती हूँ. मैंने कहा जाए आप, मैं नहीं जाती हूँ, पहले इन बच्चों को जाने दो. तो हम अपने किरदार से अपने इससे वी कैन शो देम कि बर्दाश्त आप भी कोशिश करें, इतना मुश्किल नहीं है. सही बात है बिल्कुल. एक बूढ़ा बेचारा लकड़ी से चल रहा है, आप उसको क्रॉस करने नहीं दे रहे, ये कितनी बुरी बात है. हमारे अंदर लिसनिंग पावर भी बहुत ज्यादा उसकी कमी है, मैं कहूंगी लिसनिंग पावर नहीं है हमारे अंदर. अगर हम तहमुल से चीजें जो है वो सुन सके तो हम काफी चीजें जो समझ सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे. आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाक्या हुआ कि आपने आप सोचती हो कि बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी ये चीज? बहुत दफा हुआ है. कुछ ऐसा मजेदार वाक्या मुझे सब्र दे, कोई बात नहीं जो भी कुछ कहे या अल्लाह मुझे सब्र दे, बस मैं ये करती हूँ और अल्लाह की कसम मुझे एक सुकून आता है. और फिर आई अंडरस्टैंड, आई सेड मे बी उनके जो इख्तलाफ बात की कोई वजह है, और मे बी आई एम रॉन्ग. हम नहीं कह सकते, हो सकता मैंने कोई ऐसे कोई बात कह दी या उनको बुरा लगा है. तो आई अंडरस्टैंड दिस. ये बहुत अच्छी बात है, अपने आप में ही वो तलाफी कर लेना. आई ट्राई वेरी हार्ड. बहुत जबरदस्त. अच्छा, आपसे मैं पूछूंगी जफर इकबाल साहब से, आप हमें बताएं कि आपने हम बात कर रहे थे कैंप्स की, तो आप क्या क्या चीजें होती हैं जिनके आप कैंप्स लगाते हैं, हेल्थ की डिजीज क्या क्या होती है जिनके लिए आप कैंप्स स्पेशली लगाते हैं? देखिए, कैंप का तसव्वुर जो है दुनिया भर में
اور لوگوں نے بھی دیا ہوگا، لیکن پاکستان میں اگر میں یہ کہوں کہ آئی کیمپ سرجری کا تصور جو ہے نا، یہ لائنس کلب انٹرنیشنل نے 1982 میں حیدرآباد سے میں جو ہے یہ انٹروڈیوس کیا. ہمارے ایک مرحوم لیڈر ہوا کرتے تھے پاس کونسل چیئرمین ڈاکٹر آئی وائی لشکر والا، انہوں نے حیدرآباد میں پاکستان میں لائنس کی تاریخ کا پہلا آئی کیمپ جو ہے وہ وہاں لگایا، اور اس میں اس سے پہلے لائنس جو ہے وہ آئی ڈیسیز کے حوالے سے، آئی اسکریننگ کے حوالے سے، آئی چیکنگ کے حوالے سے، میڈیکل کیمپس اور یہ ڈائبٹیز کیمپ اور کولیسٹرول ٹیسٹ، اس طرح کے بے شمار کیمپ لگایا کرتے تھے، لیکن آئی سرجریز کے حوالے سے پہلا کیمپ پاکستان میں 1982 میں کسی بھی این جی او کی جانب سے یہ پہلا کیمپ انہوں نے انٹروڈیوس کیا، اور آج پاکستان کے کونے کونے میں جو ہے یہ آئی کیمپ سرجری جو ہے وہ بڑی کامن ہے، جس کے ذریعے ایک کیٹریکٹ سرجری جو ہے وہ مطلب 3 دن کے کیمپ لگتے ہیں. حیدرآباد اس میں اسپیشلائز کرتا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں لائن تراب علی کھوجا صاحب اور ڈاکٹر گلزار صاحب، یہ حیدرآباد میں. یعنی کہ اگر کبھی آپ کو موقع ملے شہر تو آپ نے بڑے پروگرام کیے ہوں گے، لیکن میں آج سندھ ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ کبھی بھی آپ کو موقع، اور یہ آج کل یہ کیمپ کا سیزن ہے، انہی دنوں میں جو ہے یہ کیمپس کیونکہ یہ ہیلدی سیزن ہے، اس میں سرجری جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ ریکور ہوتی ہیں، تو ایک ایک کیمپ کے اندر 500 لوگ جو ہے وہ اپا جو ہے وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ کیا کرتے ہیں، حیدرآباد میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور اس کو انہوں نے چوز کیا، اس میں بہت بڑا شامیانہ لگایا اور 400-500 جو ہے وہ پلنگ اس میں رکھے ہوئے ہیں. لوگ آتے ہیں صرف وہاں پہ ان کا ایڈمیشن فری ہے، ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور ایک پورا ایک سسٹم ہے اس کے تحت جو ہے ان کی کیٹریکٹ سرجریز کر دی جاتی ہیں، کوئی چارجز ان سے نہیں لیے جاتے، لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایک ایسا منظر، میں انسپائر ہوا 1996 میں حیدرآباد کے ایک آئی کیمپ سے، اور وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے مطلب ہم اپنے ایک ملازم کی سرجری کرانے میں اگر ہم لگیں تو ہمیں پورا ایک دن لگ جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کیمپس میں 500-600 سرجریز ان 3 ڈیز جو ہے وہ حیدرآباد میں ہو جاتی ہے، اور بالکل ہو رہی ہوتی ہے، سیکیور ہوتا ہے، آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل، سب اس کا فالو اپ ہے باقاعدہ، سب سرجری کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، ان کو نیکسٹ ڈے بلایا جاتا ہے، ان کی پٹی کھولی جاتی ہے، 3-5 دن تک فالو اپ رکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ڈائبٹیز کی بات بھی کر رہے تھے، تو ڈائبٹک پیشنٹس جو ہمارے پاس ہیں ان کا ریشو کیا ہے پاکستان میں؟ سہر دیکھیں، ڈائبٹیز ہم جیسے پہلے اسپیشلائز کرتے تھے یہ بلائنڈنیس کے اوپر اور سائٹ فرسٹ پہ ہم کام کر رہے تھے. ہمارے انٹرنیشنل پریزیڈنٹ ہیں اس سال کے ڈاکٹر نریش اگروال، انہوں نے ایک چیلنج دیا کہ ہمیں جو ہے وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے جو ہے نا جوائنٹ ہینڈس کرنا چاہیے. ایک انتہائی خطرناک صورتحال اس وقت یہ ہے کہ 422 ملین 42 کروڑ افراد اس وقت ڈائبٹیز ہیں پوری دنیا کے اندر، بہت بڑا ریشو ہے. اور 2030 تک یہ فگر جو ہے 645 ملین، یعنی کہ تقریباً 64 کروڑ افراد، یعنی ہر 10واں شخص جو ہے وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہونے کا خدشہ ہے. کین یو امیجن کہ ہر 7 سیکنڈ میں، جسٹ آفٹر 7 سیکنڈ ایک شخص جو ہے وہ ڈائبٹک ہو جاتا ہے. کاز کیا ہے ڈاکٹر؟ آئی مین اسٹریس ہے، اسٹریس ہے، پراپر اسٹریس ہے، پراپر انوائرمنٹ نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، فوڈ پراپر نہیں لیتے، امیون سسٹم کمزور ہو جاتی ہے. بالکل ہے، بالکل ہے، دیٹس ہاؤ یو جی بالکل ہے، بالکل ہے. ہر 7 سیکنڈ میں ایک شخص جو ہے وہ ڈائبٹک پیشنٹ بن جاتا ہے، اور ہر سال 5 ملین یعنی 50 لاکھ افراد ہر سال جو ہے وہ اس بیماری کی وجہ سے جو ہم کیا کر سکتے ہیں 50% یہ بتائیں پاکستان میں کتنا ریشو، ہم کیسے اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں اس وقت ہم 20 کروڑ کی آبادی ہے، اور 20 کروڑ کی آبادی میں ہم جناب علی 1.40 کروڑ کے لگ بھگ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں. پورے پاکستان کیا کر سکتے ہیں ٹو اوائڈ دس؟ نمبر ون ایکسرسائز ہمیں کر، سب سے پہلے تو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کون ڈائبٹک ہے اور نہیں. ہم میں سے بے شمار لوگ ڈائبٹک ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر ارلی اسٹیج پر اس کو ہم ڈیٹیکٹ کر لیں اور پتہ چل جائے کہ جناب علی آپ ڈائبٹک ہیں، تو ہم اس کو ہم اوور کم بھی کر سکتے ہیں.
एक्सरसाइज प्रॉपर होनी चाहिए, डायबिटीज आपकी जो फूड का जो है उसका इंतजाम होना चाहिए, एक स्ट्रेस लेवल हमारा बेहतरीन होना चाहिए, और सबसे बढ़कर ये कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करें और किस चीज़ों का नहीं। एक पेशेंट है उसके लिए शुगर नुकसानदेह है, अब वो शुगर ही का इस्तेमाल किए चले जा रहा है। एक शख्स है उसको प्रोटीन उसको एक लेवल में लेनी चाहिए, हमारे यहाँ इसका कोई अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है, वाकई में नहीं। मैं आपसे कह रहा था कि तकरीबन 50 लाख अफराद हर साल सलमा पा डायबिटीज से मर जाते हैं, और 50% इन 50 लाख में से वो अफराद होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि हम डायबिटीज की वजह से मर रहे हैं या नहीं। 77% वो लोग हैं जिनको जिनका ताल्लुक जो है वो लो इनकम एरिया लो इनकम ग्रुप से ताल्लुक है और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। हम ये समझते हैं कि लायंस क्लब इंटरनेशनल ये पहला साल है 2017 में जबकि हमारी सेंटिनियल सेलिब्रेशन आज मुकम्मल हो रही है और हम नेक्स्ट सेंचुरी में अपने दाखिल हो रहे हैं, तो नेक्स्ट सेंचुरी का टारगेट 1925 में हेलन केलर ने जब हमें टारगेट दिया था तो हम उस वक्त हम 14,000 थे 14,000 लाइन मेंबर थे। नरेश अग्रवाल साहब ने आज हमें ये टारगेट दिया है दुनिया भर के लाइंस को कि हमने डायबिटीज़ को डायबिटिक को हमने ख़त्म करना है, तो आज हम 1.5 मिलियन मेंबर्स दुनिया भर के 211 ममालिक में इस साल हमने जो काम ये हमारा पहला साल था पाकिस्तान के कोने कोने में आप ये येलो जैकेट्स हमारी देख रही हैं, तमाम लाइंस जो है वो येलो जैकेट्स जेबतन करके जो है वो कैंप्स लगा रहे हैं, अब वॉक कर रहे हैं, मतलब हम इसको खत्म किस तरह कर सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस हो दे अवेयरनेस। अच्छा अवेयरनेस पे हम ज्यादा बात करेंगे, सेमिनार्स होने चाहिए और आप क्या अवेयरनेस के लिए काम करते हैं? एक तो मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उससे हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, और क्या चीजें जिनसे हम दे सकते हैं इस पर हम ज्यादा गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब मैं सोच रही हूँ गाना हो जाए, बिल्कुल होना चाहिए और हम बाकायदा गाने की कमी महसूस कर रहे हैं। हाँ हाँ गाने से बाद हम उसके बाद हम तफसीली और गुफ्तगू करेंगे जी। जद हसीदार जी आए थी वही सुरहान में फिल्में, जद हसीदार जी आए थी वही सुरहान में फिल्में, बुधी हर कह जे बाता मूँ बुधी हर कह जे बाता मूँ तुझी सुरहान में फिल्में, जद सिंगार जी आए थी वही सुरहान में फिल्में।
محفل میں अच्छा गाना उससे अच्छा ज्यादा अच्छा म्यूजिक और क्वालिटी म्यूजिक. हमारा तबला जब आसिफ भाई तबला बजा रहे होते हैं ना एनर्जी मिल रही होती है. वो तबले की इंस्ट्रूमेंट तबला ऐसा है कि उससे आपको एनर्जी सुन के मिल रही होती है. हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें जिन पे हम बात कर रहे थे डॉक्टर मंजर आलम, हम डायबिटिक पेशेंट जो हमारे पास हैं उन पर हम बात कर रहे थे. अवेयरनेस पे मैं बात कर रही थी. आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उनको रन करते हैं, इस पर हम ज़्यादा अवेयरनेस पे मैं आपसे स्पेशली बात ज़्यादा करना चाह रही हूँ क्योंकि आप इस पर काम करते हैं. एजुकेशन के हवाले से भी ज़्यादा इस पर बात करेंगे. टाइम छोटे से एक ब्रेक का हुआ है नाज़िम, तव्हांखे ॿुधायां हिकिड़े नंढिड़े ब्रेक जो नंढिड़े वक़्त जो टाइम थियो आहे. असां नंढिड़ी साई में वापसि था. सगर रहजो, ॾिसंदा रहजो. सलाम से तव्हांखे वेलकम बैक चवंदासीं तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में. ऐं तव्हांखे ॿुधायां की असांजी मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि, असांजे स्पेशलिस्ट वेठा आहिनि जिन्हनि सां असांजी गुफ़्तगू उन्हनि सां हले पई. इहो बि तव्हांखे ॿुधायां की असांजे NCR में मुश्ताक साहिबु कमु कनि पिया ॾाढे सुठे अंदाज़ में, हमेशह कमु कंदा आहिनि असांजे चैनल जे लाइ. उन्हनि जी अॼु बर्थडे, त उन्हनि खे बि असां विश कंदासीं हैप्पी बर्थडे मुश्ताक भाउ. ऐं असां ॻाल्हायूं पिया बर्दाश्त ते ऐं मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि. हम ब्रेक में बहुत सारा मज़ाक कर रहे थे, तो मज़ाक जो हमारी सिहत के लिए बहुत अच्छा होता है. आप डॉक्टर हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं. मैं बताएँ नो डाउट के हंसी मजाक लाइफ में होना चाहिए और ये लाइफ का हिस्सा है और इंसान को मुस्कुराना चाहिए ताकि इसका जो इर्द गिर्द का जो टेंशन है वो खत्म होना चाहिए. डायबिटीज से हम हंसी मजाक के जरिए भी बच सकते हैं. एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपने ठीक कहा. उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी, डॉक्टर मंजर ने सही कहा, हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है. आप क्या करती हैं अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए? आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा सा डाइट का कर लेती हूँ, इंसुलिन का कंट्रोल करना कोशिश कर रही हूँ, बस यही कर सकती हूँ. ये चीज़ें भी हैं जो हमें मेंटेन करके साथ साथ लेके चलनी होती हैं कि हमें एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है, मुख्तलिफ चीज़ें. अच्छा, हम अवेयरनेस पे बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो अवेयरनेस कैसे लोगों में हम ला सकते हैं, सेमिनार्स के जरिए कैसे? देखिए सर, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया. जहाँ तक इल्म और शऊर का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ चंद इदारे ऐसे हैं वहाँ बैठ के अगर सेमिनार किए जाएँ. फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम ले लेते हैं, हम किसी भी स्कूल में या कॉलेज में जाके शऊर की बातें करें तो मैं समझता हूँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. सपोज़ एक क्लास के अंदर अगर 100 के करीब स्टूडेंट बैठे हैं और हमने एक टॉपिक उनके सामने रख दिया, तो गोया आपका 30 मिनट का जो लेक्चर है 100 फैमिली के अंदर आपका वो मैसेज चला गया. ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ स्कूल और कॉलेज के इदारों में ये सेमिनार मुनक्किद होना चाहिए, मीडिया के ज़रिए होना चाहिए, डिफरेंट अस्पतालों में होना चाहिए, जहाँ पब्लिक प्लेस है वहाँ होनी चाहिए. तो मैं समझता हूँ अगर हम सब मिलके, ये पूरी टीम है, पूरी टीम मिलके काम करे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे
कम वक्त में ज्यादा कवर कर सकेंगे, ज्यादा लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं। हम अवेयरनेस पे बात करें तो आप बताएं लॉयंस क्लब लोगों को कैसे अवेयर करती है चीजों से, और कैसे हम लोग लॉयंस क्लब के जरिए लोगों को मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनसे अवेयर कर सकते हैं। एक कॉल भी हमारे साथ है, इसका जवाब आप हमें दीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, के रस सगर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ बेटा मैं कराची से बात कर रही हूँ, नसीमा जी। जी फरमाएं। 4 साल से मेरी तबीयत खराब है और कोई मेरे कोई जराय नहीं है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी छोड़ दी गए, मेरे बच्चे छोटे हैं। अच्छा, इसी वजह से मुझे सलमा आपा से बात करा दे ताकि मेरा इलाज। सलमा आपा बिल्कुल आपकी बात सुन रही हैं, आप सलमा आपा से बात कर सकती हैं। जी जी मैंने कराची से बात कर रही हूँ आपसे, बात मुझे बताएं कोई कॉन्टेक्ट नंबर दे दे मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। उनकी वेलफेयर से आप कुछ डिजीज के लिए हेल्प लेना चाह रही हैं? जी जी जी, पहले अच्छा। तो मैं इन सलमा आपा से मिलना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बहुत बड़ा मसला है इस टाइम, समझे कि मैं मुश्किल से बैठी हुई हूँ घर के अंदर। अच्छा, खाने तक की प्रॉब्लम है। सही, इस पे हम बात करेंगे। सलमा आपा वो 4 years से घर में बैठी हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, वो आपसे डिस्कस करना चाह रही हैं। तो वी हैव गॉट अ टीम ऑफ लॉयर्स जो इन लोगों के जो मसले हैं वो हल कर सकते हैं। तो अब कैसे अब यहाँ बात कर सके, वो कॉन्टेक्ट आपको कैसे करें वो पूछ रही हैं। तो आप कॉन्टेक्ट दे सकते हैं आप मेरा? ठीक है, आप हमारा जो रूम है वहाँ से आप ले सकते हैं, कंट्रोल रूम है वहाँ से आप कांटेक्ट जो है सलमा आपा का ले सकते हैं। ये जो लोग होते हैं हमारे वेलफेयर के लिए स्पेशली हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, बहुत मोजिस हैं आप बिल्कुल। वो सवाल उनकी क्यूरी ये थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, 4 साल से मैं एक चीज़ जो है वो फेस कर रही हूँ और मुझे आपसे बात करके आपके वेलफेयर के जरिए उस प्रॉब्लम से निकलना है। ताकि जेके क्यूरी हुजन क्यूरीज हुजन तहाँ पंज शेयर करे सको था, लॉयंस क्लब जो हवाले साहब तहाँ पुछी सको था, जेके सवाल तहाँ जे माइंड में बर्दाश्त वेलफेयर जेका है असांजो औरतूं जेके आहिनि असांजा मर्द हज़रात जेके आहिनि असांजा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ वेलफेयर सां जेके कमु कनि थियूं त असां उन्हनि जे उन्हनि मां फ़ाइदो वठी वठी सघूं था ऐं तव्हांखे बि के क्यूरीज़ हुजनि त तव्हां पुछी सघो था। जी ज़फ़र साहब, हम बात कर रहे थे लॉयंस क्लब की, तो उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आप बताएं कि लॉयंस क्लब जो है और क्या चीज़ें जो है ऑफर करता है। मैंने आपसे ऐसा ही कुछ सवाल किया था, आपने एक तो ये सवाल किया था कि कोई लायंस क्लब का अगर कोई मेंबर बनना चाहे तो वो कैसे जी बन जी सकता है, वो हम में से कोई आम इंसान जैसे हम लोग सब बैठे हैं तो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो भी बताएं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और देखिए लायंस क्लब की जो मेंबरशिप है ये बाय इन्विटेशन है, कोई शख्स अगर खुद से चाहे मेंबर बनना तो हम उसको डिस्करेज करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि अगर कोई बनना चाहता है मेंबर वो आए अपनी अपनी विलिंगनेस शो करें, लेकिन पहले हमारी एक्टिविटीज़ को विटनेस करें, हमारी मीटिंग्स में शिरकत करें, हम भी उसको देखेंगे कि आया ये शख्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारी एसोसिएशन के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होते हैं, और उसके बाद जब वो 3-4 मीटिंग्स अटेंड कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको बाकायदा हम मेम्बरशिप की हम ऑफ़र करते हैं। एक थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो कि सालाना देनी होती है, और आजकल पूरे पाकिस्तान के लायंस मेंबर जो है वो एक मेंबरशिप कैंपेन चल रही है, अगर आपने देखा हो तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जो है वो एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, लास्ट संडे जंग अखबार और एक्सप्रेस में और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में जो है वो फुल पेज का एक सप्लीमेंट भी आया है लायंस क्लब की मेंबरशिप के हवाले से, और ये मेंबरशिप हमारी बढ़ी भी है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग भी, लेकिन इस मेंबरशिप के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि यकीनन वेल ऑफ तो लोग वही खिदमत कर सकते हैं एक आम आदमी के मुकाबले में जो कि डोनेट कर सके, जो कि कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी के लिए, वही लोग ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन जो इससे भी ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो ये कि खिदमत खल का जज्बा जो है वो शख्स में ज़रूर होना चाहिए कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहें। हम पैसे हमारे पास बहुत हैं लेकिन जज्बा नहीं होगा तो हम क्या हम सर्व कर सकेंगे। जिस शख्स के अंदर भी ये जज्बा हो, तो मैं आज इस सिंध टीवी के इस प्लेटफॉर्म से ओपन इन्विटेशन देता हूँ कि कोई भी शख्स मेल और फीमेल अगर चाहे लायंस क्लब इंटरनेशनल के दरवाजे जो हैं वो उनके लिए खुले हुए हैं, आप आइए। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ सर्विस ही नहीं है,
हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जस्ट लाइक अ बाइसिकल, बाइसिकल के दो पहिए होते हैं और बाइसिकल का एक पहिया अगर ना हो तो वो बाइसिकल चल नहीं सकती। हमारा एक पहिया जो है वो सर्विस है, लेकिन दूसरा जो है वो फ्रेटर्निटी है। अगर हम समझते हैं कि फ्रेटर्निटी नहीं होगी तो हम सर्विस नहीं कर सकते। तो हम सारे मेंबर्स जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर्स आपस में मिलते हैं, दोस्तियां बनाते हैं, फेलोशिप डेवलप करते हैं और उस फेलोशिप और फ्रेटर्निटी की बुनियाद पर सर्विस के हम प्रोग्राम बनाते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा काम है हमारे, मतलब एक डिपार्टमेंट, एक डिवीजन लायंस क्लब इंटरनेशनल ने अपने हेडक्वार्टर शिकागो में बनाया हुआ है और उसका फलसफा यह है कि एक आम शख्स कम्युनिटी की जो खिदमत करता है उसके मुकाबले में एक ट्रेंड वर्कर, एक लीडर ज्यादा अच्छी जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म ज्यादा अच्छे तरीके से वो कर सकता है। उसको आप ट्रेनिंग भी देते हैं लायंस क्लब में? 500,000 यानी 500,000 लायन मेंबर्स का हमारा टारगेट है कि 2020 तक हम उनको एक अच्छा लीडर जो है वो बना देंगे। पाकिस्तान में हर क्लब, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मल्टीपल लेवल पर इस तरह के लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं। सुबह एक दिन का प्रोग्राम है, तीन तीन दिन के प्रोग्राम, और बहुत थोड़ी सी उसकी फीस होती है। उसमें आए लोग आते हैं, अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और लीडरशिप स्किल्स जो है वो उसमें डेवलप होती हैं। आज हम कुछ जो बहुत सारे लाइन मेंबर बोलना चाहते हैं और बोल भी सकते हैं, अगर वो पहले देखें तो वो बात नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्पीच करने के आपको मौाक़े हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट के मौाक़े हैं, आप आगे ग्रो कर सकते हैं। बस इसकी मिसाल सलमा आप ऐसे ही है कि एक आम शख्स, आम लोग मिलकर जो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके मुकाबले में अगर लीडर्स जो ऑलरेडी ट्रेंड हो वो अगर कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो है। फील्ड में ट्रेन जो इंसान होता है जिसको ट्रेनिंग होती है पूरी, वो और अच्छे तरीके से सर्व कर सकता है अपनी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। अच्छा, सोशलाइजिंग की आप बात कर रहे थे, सोशलाइजिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है और वो हमारी सेहत के लिए भी, जनरली हमारे, हमें भी उससे फायदा होता है, लोगों को भी उससे फायदा होता है, जैसे एक चेन से चेन बनती जाती है। मैंने 96 में लायनिज्म ज्वाइन किया तो कराची होटल मैरियट में एक प्रोग्राम था और किसी ने मुझे वो 500 रुपीस का कार्ड सेल किया कि जी वहाँ म्यूजिकल प्रोग्राम है, आप लायंस क्लब की तकरीरें होंगी। हम वहाँ गए, स्पीचेस हुई और लोग सर्विस की बातें कर रहे थे कि हमने आंखें बनवानी है और आंखें कैटरेक्ट सर्जरी। मेरे जहन में सवाल आया कि ये सूटेड बूटेड लोग एक मैरियट के एनवायरनमेंट में क्या खिदमत करते होंगे और ये क्या खिदमत करेंगे, और ये तो बातें ही ज़्यादा नज़र आती हैं। लेकिन उस सोशलाइजिंग के नतीजे में एक फ्रेंडशिप का माहौल मैंने देखा, उस फ्रेंडशिप के माहौल में लोगों की दोस्तियाँ डेवलप हुई, दोस्तियाँ डेवलप होने के बाद लोगों ने जनरसली कंट्रीब्यूट किया और नेक्स्ट डे फिर हमने देखा कि जनाब अली, उन लोगों को दावत दी गई कि जी नेक्स्ट डे जो कन्वेंशन का नेक्स्ट डे है उसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके जो है वो मरीजों में जो है वो हमने जो है वो फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करने, और पहली मेरा सर्विस एक्टिविटी सलमा आपा। आज हम बड़े बड़े करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट हम लायंस के साथ मिलकर करते हैं। 96 में जो पहला प्रोजेक्ट मैंने अपनी लाइफ का किया, मेरे क्लब के प्रेसिडेंट लायंस सरवत मसूद साहब थे, इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। उन्होंने कहा कि जफर ऐसा करें, कल हमने जिन्ना हॉस्पिटल जाना है। अच्छा। तो प्रोजेक्ट हमारा ये है कि अपने घर में जितने भी मैगजीन है, पुराने मैगजीन, बच्चों के इंग्लिश रीडर डाइजेस्ट हो गए, खवातीन अखबार, खवातीन हो गया, नॉन, सब जमा करें और सब मेंबर्स ये जमा करके जिन्ना हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ स्क्रूटनी हुई और फिर हमें टास्क ये दिया गया कि यू हैव 3 आवर्स, आपने एक एक मरीज के पास जाना है, पहले उसका टेस्ट मालूम करना है, आया उसमें पढ़ने में क्या अच्छा लगेगा, वो मैगजीन उसको दे। इसमें देखिए हमारा एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन इन्वॉल्वमेंट हमारी हुई, मॉरल सपोर्ट हुई और लोग खुश हुए इसमें जाके। तो ये हमारा लाइंस का फलसफा ये है कि एक बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग हॉस्पिटल बना देना बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन उसके लिए एक ईंट का बंदोबस्त कर देना भी इतनी बड़ी इबादत है। वो भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है आपका, वो किसी की कैटरेक्ट सर्जरी, कॉर्निया ग्राफ्टिंग करा देना एक बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन किसी ब्लाइंड को का हाथ पकड़ के उसको सड़क क्रॉस करा देना भी एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। और जनरली आप पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहे हैं, आप नेपाल के लिए भी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, नेपाल में और पाकिस्तान में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? वहाँ के लोग अवेयर कितने हैं, हमारे लोग अवेयर कितने हैं जो लायंस क्लब से मदद जो है वो ले रहे हैं या उनसे फायदा उठा रहे हैं? नेपाल देखिए एक बहुत छोटा सा मुल्क है, हमारी आबादी 20 करोड़ की आबादी में हम 10,000 मेंबर हैं और नेपाल की आबादी जो है वो 1,80,00,000 की कुल आबादी है और 1,80,00,000 की आबादी में 30,000 उनके लाइन मेंबर्स हैं, तो वहाँ अवेयरनेस हमारे मुकाबले में ज़्यादा है। और उसकी वजह डिफरेंट भी है कि वहाँ मौाक़े थोड़े डिफरेंट है, लोग समझते हैं कि, और हकीकत भी है
کہ لائنس کلب اگر جوائن کر لیں تو اس میں باہر جانے کے بھی مواقع ملتے ہیں، ٹرپ کے بھی مواقع ملتے ہیں، تو وہاں پر بہرحال اویئرنیس بھی تھوڑی یہاں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور سروس میں سمجھتا ہوں کہ سروس میں ہم زیادہ ہیں، وہ بھی یقیناً سروس کرتے ہیں، ماحول کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ہم بھی اسی پیٹرن پہ اب جا رہے ہیں اپنے دیگر کنٹریز کے حوالے سے، اور ہمارے جو میاں ادریس صاحب جو انٹرنیشنل ڈائریکٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹاسک لیا ہے کہ میاں ادریس یہ ستارہ کیمیکل والے پورے پاکستان کے لائنز نے ان کو جو ہے وہ انڈورسمنٹ دیا ہے انٹرنیشنل ڈائریکٹر کا، اور انشاءاللہ وہ اس سال لاس ویگاس میں جو ہے وہ الیکٹ بھی ہوں گے۔ ان کا ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان کی ممبر شپ کو ہم 20,000 تک ہم بڑھائیں، اور یہ اویئرنیس دے رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے، اویئرنیس دے رہے یلو جیکٹ کے ذریعے، جنرلی لوگوں کو دیں اویئرنیس، بہت زیادہ ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر منظر عالم سے بھی میں پوچھوں گی، آپ لائنز کلب میں لوگ آتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کیا کیا چیزیں ہیں جو فائدہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے لیے یہاں پہ؟ دیکھیں جہاں تک لائنز کلب کا تعلق ہے یا لائنز ڈسٹرکٹ کا تعلق ہے، یہ پیشنٹ کو میڈیکل فیسلٹیز دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو اس میں نے یہ دیکھا کہ ایک وہ پیشنٹ جو افورڈیڈ نہیں ہے، اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ کرا رہے ہیں، جیسے آئی کا ہے، ڈینٹل کا ہے، آرتھوپیڈک کا ہے، یا کارڈیو پرابلم ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو 70-75,000 روپے کا ٹریٹمنٹ لائنز کلب کے پلیٹ فارم سے فری ہو رہا ہے، تو یہ بڑی بات ہے میرا خیال ہے۔ آج کے دور میں ایک منرل واٹر کی 20 روپے کی بوتل کسی کو فری نہیں تھا، لیکن لائنز کلب کے ذریعے، لائنز ڈسٹرکٹ کے پلیٹ فارم کے ذریعے اتنی بڑی فیسلٹیز ملی، تو میں سمجھتا ہوں اس دور میں، مہنگائی کے دور میں، یہ بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اور میڈیکل فیسلٹیز ایسی چیز ہیں جو ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہیں، بالکل۔ اب جیسے کہ میڈیکل فیسلٹی کی بات ہو رہی ہے، میری جو فیلڈ ہے ڈینٹسٹی، مجھے ظفر صاحب نے، پورے ڈسٹرکٹ نے، میرے کلب کے ممبران نے، کیونکہ میرا تعلق سن رائز سے ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر آپ اپنے طور پہ ڈینٹل فیسلٹیز جو نیڈی لوگ ہیں ان کو آپ فری مہیا کریں، تو میں سن رائز کے پلیٹ فارم سے ان کو وہ فیسلٹیز فری دیتا ہوں، یعنی وہ لوگ جو نیڈی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے دائرے میں آتے ہیں، جی، ان کو سن رائز کلب فری میڈیکل ڈینٹل فیسلٹی دیتا ہے میرے میڈیکل سینٹر سے۔ صحیح. یہ سر کی ہدایت تھی جو میں پچھلے 3 سال سے وہ فری ٹریٹمنٹ میں دے رہا ہوں اپنے میڈیکل سینٹر سے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ڈاکٹرس ہیں میرے گروپ میں، بہت سارے ڈاکٹرس ہیں، میں نے آگے یہ میسج اپنے ڈاکٹرس کو دیا، ڈاکٹر فراز ہیں، ڈاکٹر جاوید ہیں، ڈاکٹر فتح ہیں، یہ اپنے اپنے میڈیکل سینٹر سے لائنز کے پلیٹ فارم سے فری فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ ابھی مجھے حال ہی کے اندر یہ سہولت مجھے عباسی شہید ہاسپٹل میں، جے پی ایم سی میں، یہ شہر کے 2 بڑے اسپتال ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں لائنز کے اس پروگرام کو، اس دائرے کو مزید وسیع کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھے، تو وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی سہولت ملے گی۔ یہ میرا سن رائز کلب ہے جس نے یہ شعور دیا، جس نے مجھے اس قابل کیا اور مجھے اپنا ممبر بنایا۔ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں لائنز کا ممبر ہوں، میں سن رائز کا ممبر ہوں، میں لائنز کے ممبران کے ساتھ، لائنز لیڈرشپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ تو فخر کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سرو کر رہے ہیں، آپ کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، پوزیٹیو چیز جو ہے اس میں آپ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ اچھا آپا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم اتنی ساری ویلفیئر سے ہمارے لیے جو کام کریں، ہم برداشت کی بات کر رہے تھے، ہم لائنز کلب کی بات کر رہے تھے، ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کیسے پتا چلے کہ یہ چیز میرے لیے فائدے مند ہے، مجھے یہاں جانا چاہیے؟ آپ اویئرنیس پہ تھوڑا وی ریفر دیم ٹو۔ اب جیسے کسی کو ضرورت ہوتی ہے جینا ہاسپٹل میں، تو ہمارے وہاں ایک میجر صاحب ہے، وہ ہم لوگ کو فیسیلیٹیٹ کرتے، میں ان کو وہاں بھیج دوں، تو ان کی ساری ٹریٹمنٹ فری ہوتی ہے، جانا پڑتا ہے، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ونس آئی ریفر دیم ٹو دیٹ پرسن اور دیٹ ڈپارٹمنٹ، تو وہ ابلائج کرتے، بیکاز دے نو کہ وی آلسو، ہم لوگ بھی ان کی کوئی ضرورت کو ہم بھی پورا کر لیتے، تو اٹس اے گیو اینڈ ٹیک، ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا کہ گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ ہو گیا۔ جیسے ان کے کلینک میں میں نے بھیجا، کسی کوئی ڈرائیور تھا، ان کو بھیجا، ہی واز سو ہیپی، اتنی دعائیں ڈاکٹر پنسل کو دیے، مجھے دیے، میں نے کہا مجھے مت دے، میں نے کہا اللہ نے مجھے وسیلہ بنائے، تو اللہ اگر آپ اچھا کام کرتے آپ کو وسیلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ملتا۔ گاڈ برنگز یو گڈ پیپل ان یور لائف، اف یو آر اے نائس پرسن، اللہ نے اپنی زندگی میں آپ کے اچھے لوگ لاتے، اور ایسے لوگ لاتے جو آپ کا ایک وسیلہ بنتا ہے، تو یہ سب اللہ کی وجہ سے، بیکاز ہماری نیت اچھی ہے، ہماری نیت صاف ہے، یہ دونوں بیٹھے ہوئے، ان کی نیت صاف ہے، تو ان کو ضرورت نہیں پڑے گی، ان کے پاس خود لوگ آئیں گے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ لوگوں کا آپ سے ان کی امیدوں کا وابستہ ہونا آپ پہ اللہ کی عنایت ہے یا رحمت ہے۔ جیسے کوئی میرے گھر آتا ہے،
और वो बेचारा खाना मांगता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये अल्लाह ने यहाँ भेजा बिकॉज उनको पता है कि यहाँ से इनको कुछ मिलेगा. सो यानी मैं कभी नौकर होते हैं ना वो बिजी होते कि नहीं कोई नहीं है, बेगम साहब नहीं है, मैं मना करती हूँ. मैंने कहा किसी को वापस आपने नहीं करना, आप मुझे बताइए. मैंने कहा दैट्स माई प्रॉब्लम. सो आई सेटिस्फाई देयर नीड्स बिकॉज आई नो गॉड हैज सेंट देम टू बी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. तो अल्लाह मियाँ ने मुझे वसीला बनाया, जैसे मेरे लिए बहुत सारे लोग वसीला बने, अल्लाह ने आपको चुना, मेरे लिए भी बहुत सारे लोग वसीला बने. हमें वो चीजें फील करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो किसी को वापस अच्छा फील होता है. आप इमोशनल भी हो रही है, इस पे ज्यादा हम बात करेंगे, मुख्तलिफ चीजें जिन पे बात करेंगे. यहाँ पे टाइम ब्रेक का हुआ नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधायां की असां मुख़्तलिफ़ शयूं पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ ॻाल्हायूं पिया. डिज़ीज़ आहिनि जेके असां फेस करियूं पिया, उन्हनि मां कीअं उन्हनि खे ओवरकम करे असां जेके असांजा वेलफेयर असांजे लाइ कमु कनि पिया, उन्हनि में असां कीअं सस्तो या मुफ़्त इलाज कराए सघूं था, कीअं उन्हनि खां मदद ऐं हेल्प वठी सघूं था, उन्हनि ते असांजी गुफ़्तगू अञा जारी आहे. सारी हूंदी ते टाइम हिकिड़ी नंढड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो थियो, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो. सलाम सर. भलीकार चवंदासीं हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम में, ऐं असां जनरली पंहिंजे फ़ाइदनि जे लाइ अॼु ॻाल्हायूं पिया, ऐं कुझु अहिड़ा वेलफेयर जेके असांजे लाइ कमु कंदा पिया आहिनि, असांजे लाइ सर्व कंदा पिया आहिनि, ऐं उन्हनि मां असांखे फ़ाइदो वठणु घुरिजे. जेके बि ब्लाइंडनेस या अहिड़ियूं आई डिज़ीज़ आहिनि या डायबिटिक पेशेंट आहिनि या मुख़्तलिफ़ ॿियूं बि शयूं आहिनि जेके असां सोशली असां इशूज़ जेके आहिनि उहे फेस कंदा पिया आहिनि, उहे जेके वेलफेयर आहिनि असां सां गॾु उन्हनि जा ओनर या उन्हनि जा फाउंडर जेके आहिनि मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां असांजी गुफ़्तगू हले पई. हम बात कर रहे थे लॉयंस क्लब की, तो मुझे बताएं कि एक वहां पे ट्रेनिंग आप लोगों को देते हैं लीडरशिप की, और कौन कौन सी ट्रेनिंग आप लोगों को देते हैं? सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक लीडर बनने की ट्रेनिंग देते हैं, लीडर बनने के साथ साथ उनमें लीडरशिप स्किल्स हम डेवलप करते हैं, और एक अच्छा सोशल वर्कर कैसे बन सकते हैं, एक अच्छा इंसान बनकर हम लोगों की जो है वो खिदमत कर सकते हैं. जो आपका पिछला सवाल था जो आपने डॉक्टर मंजर से किया, उसको भी मैं आपकी इजाज़त से आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि लायंस क्लब इंटरनेशनल सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने तक महदूद नहीं है. हम लोगों को की एजुकेशन पर भी हम काम करते हैं. एनवायरमेंट हमारा एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, आपको पता होना चाहिए, और एनवायरमेंट में लायंस क्लब इंटरनेशनल का ये टारगेट है कि पूरी दुनिया में हम करोड़ों दरख्त जो है वो लगाने का हम कोशिश करते हैं. आज इस वक्त भी कराची में हमारा एक क्लब है, कराची न्यू मेट्रो लायंस क्लब, वो मलीर के इलाके में हमारे एक लाइन मेंबर है, लाइन वजीर सहतो, तो वो और क्लब मेंबर्स मिलके जो है वहाँ पर जो है वो 100 प्लांट्स जो है वो इस वक्त लगा रहे हैं. तो एनवायरमेंट हमारा एक बहुत बड़ा काम है. अभी सलमा आपने बात की हंगर पर, हमारा मेन काम हंगर रिलीफ भी है. आज आप देखें कि एक कुछ बेशुमार घराने ऐसे जहाँ पर एक वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिलती, और लायंस क्लब इंटरनेशनल के हमारे पाकिस्तान चैप्टर के दुनिया भर में हम काम करते हैं. मैं पाकिस्तान और नेपाल की बात करता हूँ आपसे कि हम 10,000 मेंबर जो पाकिस्तान में, वो साल में लाखों घरों में हम कोशिश करते हैं रमज़ान के महीने में, रमज़ान के अलावा जो महीने होते हैं उनमें बाकायदा पूरे महीने का राशन हम एक फैमिली के लिए जमा करें और डोर टू डोर जाके वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करने की भी हम कोशिश करते हैं. हंगर रिलीफ में हमारा बड़ा अच्छा काम है. अच्छा, उसमें लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जैसे वो राशन जो है दे सकते हैं आपके क्लब में, ताकि लोगों को वो मिल सके. बिल्कुल, जैसे हमारे क्लब के 20 मेंबर्स हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि एक राशन बैग जो है वो 2,000 रुपीज का है, तो डॉक्टर मंजर ने कहा 100 बैग्स मेरी तरफ से, हमारे क्लब प्रेसिडेंट है अरशद शमसी साहब, उन्होंने कहा जी 500 बैग्स मेरी तरफ से, सब अपने अपने कंट्रीब्यूशन लाते हैं, 20-25 लाख रुपए जमा होते हैं, जाकर राशन खरीदते हैं और जाकर खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सही, ये जिम्मेदारी वाला काम भी है और अच्छा काम भी है. अच्छा, यहाँ पे टाइम जो है वो इख्तिताम पे बहुत पहुंचा है, और मैं आप लोगों से आपके जो प्रीशियस मैसेजेस हैं वो लेना चाह रही हूँ. सलमा आपा, आप कुछ लोगों को कहना चाहेंगी, कुछ अवेयरनेस पे, कुछ बर्दाश्त पे बात करना चाहेंगी, कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैं ये देना चाह रही हूँ कि हम लोग सब मिलके, और एक NGO पूरे मुल्क को नहीं संभाल सकता है, तो हम लोग सब एक दूसरों के साथ मिल जाएं एंड हमारी जो एफर्ट्स है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें. जैसे वो अगर इस पे कुछ कर रहे हैं, कैंसर पे कर रहे हैं, तो हमारे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो हम लोग को जो इंजेक्शंस है वो हमें एट कॉस्ट प्राइस देते हैं, तो ही कैन टेक माई हेल्प. अगर मुझे ज़रूरत हो, जैसे अब मैं सोच ही रही थी, ये सब बातें हो रही थी कि मैं उनसे कहूँ कि एक अवेयरनेस हमारे लिए, हमारे पार्टी वर्कर्स को ऑन डायबिटीज़ एंड ऑन एक और जो कर रहे हैं, कौन सा आप कर रहे हैं,
डायबिटीज और किस पर ब्लाइंडनेस पे, तो हमें दो अवेयरनेस कैंपेन हमारी औरतों को ये थोड़ा सा अवेयरनेस उनके बारे में दें, तो इंशाल्लाह ये जब सारा खत्म हो गया सिलसिला तो मैं उनसे कमिटमेंट लूंगी, मुझे पता है ये दोनों मुझे रिफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी तरीके से वी गॉट लोग है हमारे पास, तो हम कर सकते हैं, हम यूनिटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जी डॉक्टर मंजर आलम, आप क्या मैसेज देंगे? सर मैं टीवी के जरिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइंस की मेंबरशिप में इजाफा होना चाहिए जी। इसकी ग्रोथ में इजाफा होना चाहिए, और जहाँ हमारे 10,000 मेंबर इस पर काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 2020 तक, मेरी और पूरे डिस्ट्रिक्ट की कोशिश ये है कि ये 20,000 मेंबर होना चाहिए ताकि हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि वेलफेयर का काम ऐसा है कि सबको मिलकर करना चाहिए, ये टीम वर्क है, एक फर्द वाइज कुछ नहीं कर सकता। तो मेंबरशिप ग्रोथ करेगी तो हम ज्यादा से ज्यादा हर गांव में, हर गली में, हर देहात में आसानी काम कर सकेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेंबरशिप ग्रोथ हो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। तो आई होप कि आने वाले वक्त में मेंबरशिप में इजाफा होगा, इस पे हम सब पूरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा स्पेशली मेरा क्लब, इसके लिए आप लोगों को इनवाइट कर, हाँ लॉयंस सनराइज लॉयंस क्लब सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो आई होप कि इसमें बड़ी इंप्रूवमेंट होगी, इंशाल्लाह होगी, जरूर होगी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मोर मेंबर्स मींस मोर हैंड्स, मोर हैंड्स मींस मोर सर्विस। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा हाथ हमारे साथ होंगे, इतनी ज़्यादा हम लोगों की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं और एक अच्छा एक अच्छी सोसाइटी बनाने में हम मदद कर सकते हैं। और मैं एक यही छोटा सा मैसेज दूंगा शहर कि आओ एक ऐसा शहर बसाएं, आओ एक ऐसा शहर बसाएं, शहर जो माँ के दिल जैसा हो, जिसे फरिश्ते देखने आए, जिसमें ना हो धौंस धमाके, जिसमें ना हो दर्द और फाके, जिसमें हम खिदमत के दाई मिलकर चुन ले सारे कांटे। आओ एक ऐसा शहर बसाएं, आओ एक ऐसा शहर बसाएं। वाह, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं आप लोगों के बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए, आपने इतनी अच्छी बातें हमें अवेयरनेस पे हमने बात की, लोगों तक जनरली वो बात इंशाल्लाह पहुंच गई होगी। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधायां की असांजी गुफ्तगू जो सिलसिलो हिते ख़त्म थियो आहे ऐं सुभाणे वरी मिलण जी उमीद सां हिते असांखे इजाज़त ॾींदा ऐं असांजो अॼु जेको प्रोग्राम हो उहो जनरली असांजी अवेयरनेस ते हो, असां वेलफेयर जेके आहिनि लॉयंस क्लब आहे या बर्दाश्त वेलफेयर आहे असांजे लाइ कहिड़ा कमु कनि पिया, त उहो जनरली असांजे लाइ कमु कनि पिया, पर असांजो बि कंट्रीब्यूशन हुन में ज़रूरी आहे त असांखे हुन में उन्हनि जो हिसो थियणु घुरिजे, उन्हनि जो साथ ॾियणु घुरिजे। ऐं सुभाणे वरी मिलण जी उमीद सां हिते असांखे इजाज़त ॾींदा, ख़ुशि आबाद सलामत हुजो। सुबुह सुबुह जो पखी अखेर मां उडरे थो, हरी नारी रा पखे संभाले निकरे थो, हुन सर जमीन सिंध ते जीए सजो भरे।